Assalamualaikum, good morning Pakistan. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आपसे मिलने के लिए ना जाने मुझे रात को कितने कितने गरारे करने पड़े, लौंग और दालचीनी की चाय पीनी पड़ी ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसी हो जाए कि जो मैं कहना चाहती हूँ अपने दिल की बात वो आपके दिल तक पहुंच सके. दूसरे में सिर्फ खूबसूरती तलाश नहीं करते, वो उनकी प्रायोरिटी नहीं होती. मेरे ख्याल से खूबसूरती वगैरह ये अब सब बाद में आती है, वो देखते हैं कि उनकी हम आहंगी यानी अंडरस्टैंडिंग कितनी है. क्या वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को दे सकते हैं? एक दूसरे को अपनी पूरी ज़िंदगी देना एक बहुत बड़ी बात है. जहाँ आज बच्चों को, जहाँ यंगस्टर्स को अपने राइट्स का पता है, लड़कियों को भी पता है कि वो क्या कर सकती हैं, उनके अंदर क्या टैलेंट है, वो कितनी करेजस हैं, लड़कों को भी पता है, तो उसके लिए सिर्फ एक खूबसूरती का एलिमेंट होना जो है वो कंप्लीट नहीं करता आपको अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने के लिए. बल्कि बहुत सारे कपल्स हमें ऐसे देखे गए हैं, कुछ लोग एक दूसरे को एजुकेशन की वजह से पसंद करते हैं, कुछ लोग एक दूसरे की नेचर की वजह से, कुछ लोग आपकी अप्रोच कि आपकी पर्सनालिटी की अप्रोच कैसी है उसकी वजह से आपको पसंद करते हैं. सो अलग अलग लोग नज़र आते हैं और अक्सर आप किसी भी जोड़ी को फिजिकल अपेयरेंस पे देखकर नंबर दे देते हैं. यार जोड़ नहीं अच्छा, लड़की बड़ी प्यारी है, लड़का पता नहीं क्या देखा, लड़की इतनी अच्छी नहीं, लड़का बहुत हैंडसम है, फौरन मुंह छूटते कहेंगे यार क्या मतलब आंखों पे पट्टी पड़ी थी. हम बहुत ही जजमेंटल लोग हैं और हम ऐसे ही अपनी राय जो है वो इस तरह ही फेंकते जाते हैं इसके बारे में उसके बारे में. लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे पैकेजेस दिखाऊंगी जो बज़ाहिर तो बेजोड़ हैं लेकिन उन्होंने अपने अंदर कहीं ना कहीं वो जोड़ तलाश किया है जो उनको सारी ज़िंदगी यूं समद बॉन्ड की तरह जोड़े रखेगा, है ना. देखिए ज़िंदगी गुजारने के लिए जो आपको चाहिए वो आपको ही पता है, किसी तीसरे चौथे पांचवे को नहीं पता. सो इसीलिए अब मैं आपको एक और ऐसा रिश्ता दिखा रही हूँ जो आपको शायद बेजोड़ लगे लेकिन उन्होंने एक दूसरे में क्या देखा ये तो वही जानते हैं ना. एक अमेरिका की एक खातून ने अपना पूरा लाइफस्टाइल छोड़ दिया और भारत के एक शख्स के साथ एक छोटे से गांव में उसी की तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं. अब सोचिए कहाँ अमेरिका का रहन सहन, कहाँ इंडिया के एक छोटे से गांव का रहन सहन, बट जोड़ी तो जोड़ी है. देखिए जी अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपका बेटा या आपका भाई लंबा होता है ज़रा हाइट में तो आप पहली शर्त रिश्ते वाली से यही कहती हैं लड़की ना हमें लंबी चाहिए, ज़रा जोड़ी अच्छी लगनी चाहिए. आई डोंट नो कि जो दूसरे लोग रिश्ते तलाश कर रहे होते हैं वो क्यों ये देखते हैं लड़का डॉक्टर है तो लड़की भी डॉक्टर होनी चाहिए, फलाना है तो फलाना भी ये होना चाहिए. नहीं पता होता दूसरे तीसरे को कि एक्चुअली खुद आपको क्या चाहिए. सो ये एक बज़ाहिर एक बेजोड़ रिश्ता है लेकिन आपको नहीं पता कि इन दोनों के दरमियान कितनी मोहब्बत और किस वजह से अंडरस्टैंडिंग, किस वजह से हम आहंगी है. इसीलिए जब आजकल शादियों का रुख करें तो स्टेज पे बैठे दुल्हा दुल्हन को देख के जजमेंटल ना हो, एकदम राय का इजहार ना करें, राय पास ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता, क्योंकि ये जोड़ी खुदा ने बनाई है और नसीब है इनके और किस तरह इनको मिला है. जी ये मैं जोड़ियों की बात क्यों कर रही हूँ, ये जोड़ियों की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे ARY डिजिटल पे एक नया ड्रामा शुरू हो रहा है जिसका नाम है तेरी राह में. 3 जनवरी से आप इसको ऑलरेडी देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर शाम 7 बजे डेली. एंड इसमें कौन किसके साथ किस तरह जोड़ियाँ बना रहा है, आगे चल के कौन किस तरह किसकी जोड़ी बनेगा, ये है एक मुअम्मा. इसको सॉल्व करने के लिए हमने कोशिश तो की है कि आज हम अपने एक्टर्स को बुलाएं जो इसमें मौजूद हैं लेकिन अब ये राज खोलते हैं या आप रोज़ ये ड्रामा देखकर
खुद ही खुद ये राज खोल पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके फेवरेट पर्सनालिटीज, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज जो आपको ड्रामों में अलग अलग कैरेक्टर्स करते हुए नजर आते हैं, आज यहाँ अपने ड्रामे तेरी राह में लेकर आए हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, तेरी राह में ही है ना, तेरी राह में मैं आज यहाँ पे सुबह सुबह खड़ी हूँ। वैसे रोज ही खड़ी होती हूँ, लेकिन आज मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ तेरी राह में वाले हैं। वो वाले कौन है जी? वो जिनका ड्रामा शुरू हुआ है 3rd of January से और रोज उनको स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यानी आजकल ARY पे है उनका कब्जा। अब वो कौन है? वो चार पर्सनालिटी जो इस वक्त मेरे पास हैं, उनके नाम और थोड़े थोड़े से उनके काम भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखिए, जो पहला जिसका इंट्रोडक्शन मैं करना चाह रही हूँ, आपने उसामा को देखा, उसामा खान को देखा सांवरी में, बिसाते दिल में, गलती में, हकीकत में, और अब दोबारा में वो अपनी अम्मा को जो तंग कर रहे हैं ना, और फिर अब आप ARY की स्क्रीन पर 3rd January से देख रहे हैं उसामा को तेरी राह में। फिर मैं बताना चाहूँगी आपको, आज के शो में हमारी जो अगली मेहमान है वो है ज़ैनब शबीर, जिनको आपने देखा पिया नाम का दिया में, मलाले यार में, हकीकत में, मकाफात में, दिखावा में, मेहरपोश में, और अब आप तेरी राह में देख रहे हैं। फिर जो अगली है हमारी आज की सेलिब्रिटी गेस्ट शहजील शौकत, जिनको आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए इन्होंने पाकीज़ा पप्पो में, बेनाम में, और अब तेरी राह में आपके सामने है। और इसी तरह मैं तो पहचानी नहीं ना चौथे वाले गेस्ट को, मैंने कहा बेटा तुम पहले मेरे पास आए हो, कह रहे जी 3 दफ़ा आ चुका हूँ, क्योंकि वो उसने अपना ज़रा गेटअप चेंज किया है और अपने आप को एज देने की कोशिश की है, पिद्दा सा छोटू सा क्योंकि आप इन्हें हमारे पास तो 3 दफ़ा शो में देख चुके हैं, लेकिन उसके अलावा आपने देखा है इन्हें बेवफा, गुम, और अब तेरी राह में देखेंगे। सो आइए वेलकम करते हैं उसामा खान, ज़ैनब शबीर, शहजील शौकत एंड दानियाल खान। ओके, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? क्या हाल है? मैंने कहा कि सबको एक साथ बुला लें, क्योंकि जब गपशप लगेगी ना तो मजा आएगा। हम फंस भी गए थे, आपने सबका नाम लिया, कहा चलो किसको, मैंने कहा सारी बातें भी कर दें और उसके बाद सबको साथ भी बुला लें। अब लोग ना परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मेरे पीछे ना एक तस्वीर आ रही है यहाँ पे शहरोज की, तो शहरोज की तो गेस्ट अपीयरेंस है ना आपके ड्रामे में? यस, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता, बहुत सारे लोग, हाँ ओके सॉरी शहरोज, हाँ भैया एक सरप्राइज है जो रिवील करेंगे हम शायद नेक्स्ट मंडे तक, ये जो मंडे आ रहा है इसको छोड़ के अगले मंडे तक वो हम रिवील करेंगे कि किससे चमाट मारा था बेचारे को, चला गया फिर वो ब्रावा छोड़ के ही चला गया। ये सॉरी सॉरी शहरोज, ओके मैं कहूंगी ओ माय गॉड, बस वो ऑफेंड हो गया आई थिंक शहरोज। अच्छा सुनने में मतलब मैंने देखा नहीं अभी तक ड्रामा, लेकिन मैं देखने वाली, अभी मैं तेरा भाई की शादी में बिजी हूँ अपने, सो मैं जब यूट्यूब पे फिर मैं एक साथ देखूंगी सारा और फिर टीवी पे देखूंगी रोज। सो तुम्हें क्या प्रपोज किया था शहरोज से जो तुमने चपेड़ लगाया उसको? उसने मुझे प्रपोज किया, उसके बाद मैंने उसको कहा नहीं और मैं जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, ओहो, और ये देख रही थी खड़ी हुई, तुमने कुछ नहीं किया? नहीं, बिकॉज़ मैं चाह रही थी, इट वाज हर प्लान बेसिकली, अच्छा, ताकि मैं गुस्सा हूँ और मैं उसको, मैं मुझे गुस्सा आ गया, मैं पहले से अपने बंदा टेंशन, अच्छा वैसे ही थप्पड़ मार दिया, मैं देख रहा था उसने वैसे ही मार दिया था, लाइक यू नो अनएक्सपेक्टेड, नहीं नहीं नहीं, अच्छा मुझे देख के ऐसे लगा कि मैं उस वक्त मतलब स्क्रिप्ट के लिहाज से मैं एक टेंशन में थी ऑलरेडी, यू नो मैं बैठी हुई कुछ सोच रही होती हूँ, ओके, तो वो टेंशन के ऊपर एक और टेंशन आ जाए तो आप, मैंने गुस्सा निकाल दिया, कितनी जोर के मारा, बहुत जोर नहीं, थप्पड़ तो एक्चुअली, अच्छा उसकी उस थप्पड़ की भी आई थिंक 10 takes हुई थी, हाँ 10 takes हुई थी जिसमें मुझे लगा कभी तब के नहीं आया शहरोज, 10 पेड़े मारी तुमने लड़के को, नहीं नहीं हमने बहुत दफा माइंड किया, लेकिन आई थिंक एक आध दफा उसको थोड़ा बहुत हार्ड टच भी हुआ, हाँ बट इतनी सी दान पान से क्या हार्ड टच, लेकिन हड्डियां मेरे हाथ में काफी, तो बहुत जोर से लगता है। कभी असल जिंदगी में तुमने देना किसी को चपेट लगाई है ऐसे? नहीं कभी,
कुत्ताओं क्या बता, मैंने तो बड़ी चपेड़े लगाई में, तुम्हें नहीं पता ना कितने बदतमीज होते हैं लड़के. सो कॉन्सर्ट नहीं, वो तो सबको पता है लेकिन वो लड़के आगे पूरा राज सारा खुलेगा. मर्डर मिस्ट्री है क्या ये ड्रामा? मिस्ट्री तो है, पीपल वो क्यूरियस होंगे कि आगे क्या होगा क्या होगा. हाँ. उसी क्या होगा क्या होगा में सब कुछ होगा, सब हम नहीं बता रहे. हाँ. क्योंकि हम भी पढ़ते पढ़ते सोचते हैं कि आगे क्या होगा, एपिसोड साथ साथ आ रही है. एग्जैक्टली. ऐसा हो रहा है, सस्पेंस आप लोगों के लिए भी रखा. जी जी, मोस्टली हमारे लिए, हमें भी पता चलता है. अच्छा, हो गया ये, ये हो गया. सुनो, एपिसोड कितने हैं? ये भी सस्पेंस है. ये नहीं, प्रोबेबली 50. और डेली चल रहे तो आई थिंक 2 महीने में खत्म हो जाएगा, जैसे बेनाम हुआ. बात सुनो, तुम्हारे तो अम्मी अबू तुम्हें इतना नहीं देखते होंगे जितना पब्लिक देखती है. दो दो रोज, वो भी रोज है ना तकरीबन. वो तो फिनिश हो गया, वो खत्म हुआ, ये दूसरा शुरू, ये खत्म हुआ, वो खत्म. ये स्लॉट आपका है शहजी, ये आपने फिर ये खत्म होने से पहले तीसरा शुरू करना. मैं कर रही हूँ. कौन सा दिन, मतलब लाइक कौन सा लकी नंबर है आपके लिए, कितने कितने दिन आएगा ये? हम ये डिस्कस कर रहे थे कि शहजील का जो पहला ड्रामा था ना पाकीज़ा फूफो, मैं इसके साथ था. अच्छा, भाई Honestly, ये मेरा फियांसे बना था. अभी आप लोगों ने, अभी तो सबको पता चल गया होगा, अभी मेरे भाई बने हुए इस ड्रामे में, उस वक्त ही मेरे फियांसे थे. एंड ऑनेस्टली हम लोगों ने थ्रू आउट द होल जर्नी, पाकीज़ा फूफो भी बहुत लंबा ड्रामा था, थ्रू आउट द जर्नी इतने रोमांटिक सीन्स होते थे, हम लोगों ने बात तक नहीं की. हाँ, I don't know why. अच्छा, मैं नहीं बात करता, मैं चुप करके साइड पे बैठे रहता हूँ. उसका मतलब ये नहीं कि मैं बात नहीं करूंगा. हाँ. मैं ऐसे कहा, मैं बात तो करता हूँ. हाँ. पहले तो नहीं करते थे. I was like, because मैं तो talkative हूँ, मैं सबके साथ talk करती हूँ, right? तो इसने बिल्कुल बात नहीं की throughout the whole journey. And then फिर शेजल, हो सकता तुमने भी ना की हो. मैंने तो नहीं की थी. ये तो चुप नहीं रह सकती ना. नहीं, मैंने तो लाइक अभी सुबह बोल रही थी, मुझसे ना बात नहीं की जा रही. हम लोग, मेरी आंखें नहीं, अब सुबह सुबह हम लोग इतनी जल्दी नहीं उठते ना. हम अपने अगर ड्रामे के सेट पे भी जाते हैं तो 10, 9, 11 इसका हमारा टाइम होता है. तो सुबह 6:30 बजे उठ के मेकअप किया, आंखें नहीं खुली. आई वाज एग्जाम, मेरी आंखें नहीं खुली. कह रही मेरी भी नहीं खुली, मैंने ठंडे पानी, सर्दियों में ठंडे पानी में. अभी तुम दोनों जो कैरेक्टर कर रहे हो वो बहन भाई, बहन भाई, और यहाँ ये तुमसे बातें कर रहे हैं. हाँ, देखो जरा वही तो डेली शक्ल देखनी होती है ना. तो बेना में भी क्या, और जैनब में बहन भाई, बहन भाई, बहन भाई. ओके, ये तुमसे बातें करता है कि नहीं? हम लोग, अच्छा जब मैं फर्स्ट डे, एवरीबॉडी हैव देयर ओन स्टोरी. मैं बताती हूँ आपको, मैं जब फर्स्ट डे सेट पे आई तो दानियाल पहले से ऑलरेडी शूट कर रहा था कुछ दिन, सही है? तो इन लोगों की अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी, जो मेरे घर के लोग थे सारे, सुहेल, समीर, सना फखर, निदा हुसैन, सायका जी, ये. तो मैं सेट पे आई तो मैं जब शुरू में जब किसी भी सेट पे जाती मैं इतना बात नहीं करती. आई जस्ट ऑब्जर्व पीपल के कौन कैसा है, किससे बात करनी चाहिए या नहीं. तो ये इसको ना एक वीडियो कॉल करनी थी कहीं पे ना, मुझे इसने ताना दिया इस तरह का एक दफा. क्या कहता है कि मैं यहाँ बैठ के वीडियो कॉल कर लूँ? तो सिर्फ मैं थी मेकअप रूम में ना. तो मैंने कहा कर लो. कह रहे हैं हाँ यार, और कहीं जो है ना बहुत सब जगहों पे बहुत शोर है और तुम तो बात करती नहीं हो वैसे भी. और फिर मैंने कहा मैं इसको बता दी कि मैं कितनी बात करती हूँ. उसके बाद आज तक नहीं हुए खामोशी. मैंने आया ना मेरे पास पहली, मैंने देखा अच्छा आप आए हैं ना मेरे शो पे. रोला तू तो आया हो रोला, मैं सायमा का बेटा हूँ. मैंने आए सायमा कुरैशी के बेटे, तुम्हारे तुमने सेट क्या लगाया भाई, दाढ़ी का सेट लगाया. सो वो
ये तो है. तो कैसा लग रहा है ड्रामा? क्या करेंगे लोग, पसंद करेंगे? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. हम श्योर करेंगे क्योंकि ये बेसिकली यंगस्टर्स, मोस्टली यंगस्टर्स का ड्रामा है. तो लोग अभी आई थिंक आजकल ज्यादा अच्छा, बहुत रिलेटेबल स्टोरी है, बहुत रिलेटेबल है. जैसे मैं शुरू में कह रहा था ना, तो मुझे लगा कि इतनी रिलेटेबल नहीं है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो लगता है कि हाँ यार ये है ऐसे. बहुत से तो बेसलेस होते हैं ना इवेंट्स, बहुत ड्रामों में आपने देखे बेसलेस. क्या हो गया यहाँ जो इवेंट्स है ना, उसने बहुत अच्छा लिखा है नादिया ने. बहुत अच्छी बात. सबसे अच्छी ये कि हमारे यहाँ ना राइटर कि हमारे यहाँ जो नेगेटिव्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता. इस ड्रामे में जितने भी नेगेटिव्स हैं उसके पीछे कोई रीजन चल रहा है, जस्टिफिकेशन है. ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं है कि क्या स्टार प्लस बना दिया. एग्जैक्टली. उसके बाद फिर डायरेक्टर ने भी उसको भी खुर्रम वाल्टर, उन्होंने बहुत अच्छा किया. तो बस ऐसे हुआ कि वॉल्टर भाई से आहिस्ता आहिस्ता हमारी फिर. अच्छा आप लोग वॉल्टर भाई कहते हैं? हाँ, वॉल्टर भाई. तो ये उनका लकब है वॉल्टर. हम खुर्रम भाई भी कहते हैं, हम खुर्रम भाई भी कहते हैं, वॉल्टर भाई भी कहते हैं. पूरा नाम लेना जरा मुश्किल होता है ना. वॉल्टर थोड़ा मुश्किल होता है, हम कहते हैं खुर्रम. और हम उनसे ये भी कहते हैं कि आपने कोई बात कही नहीं ना, तो आप ऐनक लगा लिया करें, वरना सीनियर नहीं लगते. देखिए ऐसे करेंगे ऐसे, हम उनसे कहते हैं कि ग्लासेस लगाएं पहले. ये उनका घर है, हम अपने घर का खुद बताएंगे. अपने घर का हम बता देते हैं ना, शेरोज सबका. अच्छा लेकिन हमारी ऐसी है, बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी है सबसे. बहरोज भाई, क्या नाम है, नईमा जी, इवन साइका जी. साइका जी तो मेरी मदर बनी है. शी इज रियली सो, शी इज सो क्यूट, शी इज अ जैम ऑनेस्टली. जैसे वो ड्रामे में बोल रही है ना, वो रियल लाइफ में भी वैसे ही बोलती हैं. अपना ही बंदा तो वो है, और बहुत मजा दोनों आपके साथ इन देयर ओन दोनों कैरेक्टर. एंड देन वी हैव सुहेल भाई, सुहेल समीर. या एंड देन वी हैव सना फखर, निदा हुसैन. निदा हुसैन दानियाल के साथ भी हैं. तो एक मजे का, मुझे लग रहा है मजे का कॉम्बो बना है. जैसे हमारे बहरोज भाई है ना, अब शरारती मैं भी हूँ सेट पे थोड़ा बहुत, और बहरोज भाई वो भी शरारती, वो बहरोज भाई. अब बहरोज भाई नईमा जी को कहते हैं, जो मदर है, यार देखो काम नहीं हो रहा, इतनी देर हो गई है, ये हुआ वो हुआ, अब छेड़े होते हैं उनको. और जो नईमा जी कहती है ना, इतनी देर हो गई मुझे आए हुए, अभी तक काम शुरू, अल्लाह का शुक्र अदा करो. काम है नईमा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, काम कर रही हो. कहती है हाँ हाँ. प्रॉब्लम बता के उनसे निकल आके फिर कहते हैं, क्या मसला है, क्यों तुम कंप्लेन करती रहती. अच्छा अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, तो तुम लोगों का कैरेक्टर है ड्रामे में, उससे तुम लोगों की पर्सनालिटी कितनी परसेंटेज मिलती जुलती है? जैसे तुम्हारे कैरेक्टर का क्या नाम है? मेरे कैरेक्टर का नाम माहा है, लेकिन मेरी पर्सनालिटी आई डोंट थिंक एट ऑल मिलती होगी इन अ वे कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत जॉली हूँ, बट इधर मैं वो नहीं हूँ. बट पर्सनालिटी एज इन लाइक कपड़े शपड़े ऑल दैट, आई थिंक वो मैच करता है. वो मैच करता है. आप बताओ. फखर मुझे लगता है कि हाँ कुछ हद तक मैं वैसे ही हूँ. अच्छा. थोड़ा रिजर्व सा. हाँ. इतना ज़्यादा बोलना नहीं है. हाँ. थोड़ा इतना पॉजिटिव ज्यादा बोलता नहीं हूँ मैं. हाँ. फखर भी ऐसे ही है, ज्यादा बोलता नहीं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता. आप कब बोलते हैं? हाँ, हमेशा से. हाँ, हमेशा से. हाँ. और आप बताओ. मुझे लगता है कि दानियाल, अपना नाम तो बताओ ड्रामे में. दानियाल ही है. ड्रामे में नाम दानियाल है. पैसे देखेगा, मेरा नाम दानियाल ही है. हां, इसी का मैं आऊंगा, क्योंकि मेरा नाम आप दानियाल रखेंगे तो मैं साइन करूंगा, वरना बस कास्ट. ये रख रहे हैं, देखें आप, ये रख रहे हैं, नाम बदलवा दिए. बस इसे तकलीफ नहीं हो ना, फिर दानियाल आसान है. अच्छा हम लोगों का मुझे लगता है कि हो सकता है कि अलग अलग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स में सेम ना हो हम पर्सनल लाइफ जैसे, लेकिन हम लोगों का जो बॉन्ड है वो जैसे स्क्रीन पे दिखाया है वो वैसे रियल में भी. बिल्कुल. टू दैट इट वाज रियली इजीयर टू प्ले द सीन्स, क्योंकि हम लोगों का बॉन्ड था. तो हमारा भी है. ये आप अपनी गाड़ी में बोलते हैं ना, मतलब बॉन्ड तो ट्रू दैट हम का भी है. और बहुत दानियल तुम्हारा क्या तो रजा हो गया. दानियल मैं करता हूँ ना, समर कर जो बताती हूँ. मेरा कैरेक्टर बहुत पॉजिटिव है. हाँ. सही है. और असल में नहीं हो तुम ऐसे, मैं बता हूँ ना.
इस कैरेक्टर से जो मैं रिलेट कर सकता हूँ, ये दानियाल बहुत एक ओवर पोजेसिव अपनी फैमिली के बारे में, बहुत ख्याल रखता है खुद वंस जो उनके करीब है, तो ये है. उसके अलावा वो काफी रोना धोना है, लेकिन वो ऐसा असल में तो रखते हो अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल? असल में बहुत रखता हूं. पूछो अम्मी को फोन करूं? अम्मी तो अभी शूट में बाद में, चल बात अभी शूटिंग हो रही है इस टाइम. अभी इस टाइम कौन सा कॉल टाइम होता है? नहीं इस टाइम कौन सा? हेलो, वो भी कहीं है. हां अच्छा सही, शूट पे है ना? समझ है ना? समझ गए हम, समझ गए. ख्याल रखना चाह रहा, सो रही हूं इस टाइम पे. तुम बताओ ज़ैनब, तुम्हारा कैरेक्टर थोड़ा सबमिसिव टाइप है या तगड़ी हो तुम? नहीं, ब्रेव तो है ऑब्वियसली, लेकिन जिस तरीके से वो अपने घर वालों के लिए और जिनसे वो प्यार करती है उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती है बेसिकली, तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा रिलेटेबल है मेरे लिए, क्योंकि जाहिर सी बात सब लोग ही करते हैं, तो अपनी लड़कियाँ करती हैं अपनी फैमिली के लिए, तो वो चीज़ है. लेकिन जितना बर्दाश्त ईमान के कैरेक्टर में, उतना मुझे नहीं लगता रियल लाइफ में किसी का हो सकता है. किसी में हो सकता है, नहीं वो बहुत एक नाउअडेज नाउअडेज आई थिंक इतना किसी में नहीं होता. इट्स एन आई ड्रीम प्रोडक्शन. आई ड्रीम, आई ड्रीम्स. अच्छा मैं एक और बात बताऊँ, प्रोडक्शन वाइज भी हमें किसी चीज से तंग नहीं किया. हमारी शक्लों वाले मिले थे, क्योंकि वो भी अब्दुल्ला भाई का था आई ड्रीम, और हमें इसमें भी मिले. और मुझे भी कप चाहिए, हमारा मेरे अपने भी था ना. अगले ड्रामे में प्लीज निदा यासिर का भी आप कप बना के, हम आप लोगों को ड्रामा हम कह देंगे, हम ऊपर पहुँचवा देंगे, पहुँचवा देंगे. लेकिन आखिर जाते जाते वो कप रहता नहीं है. मैंने भी चीटिंग की थी ना, अभी हमने फिल्म बनाई ना, तो फिल्म की प्रोडक्शन में मैंने भी कप छपवाए, लेकिन मैंने एक एक्टर का चार कप छपवाए थे. आपने तो मूवी के लिए किया होगा ना? हाँ. मूवी में कितना कितने दिन लगते होंगे? कोरोना की वजह से भाई पूरा साल लग गया. Oh God. ये नहीं हुआ, लेकिन हमारा तो देखे ना 6 महीने लग जाते हैं. छह महीने में एक कप टूटना तो बनता से ज्यादा तो. और फिर एंड में ना शेजल को जाने का कप मिल रहा है. सीरियल में और मैंने उस दिन में कप पी रही हूं, मैंने कहा ये किसका है? संगीता जी की शक्ल. आई वाज लाइक वाओ दादू. आई वाज लाइक वाओ दादू. ये वो क्या ब्रेक का टाइम हो गया? ओके ब्रेक बोल रही हूं, मुझे आप लोगों की इसमें आवाज में सुनाई नहीं दे रहा. ब्रेक सो जी, एक छोटा सा ब्रेक लाओ भाई, मेरी लौंगे तो जरा आवाज सही करूं. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ब्रेक के बाद तेरी राह किस्मत ही फूटी जो इस जहन्नम में आके रहने लगी. जितनी खूबसूरत बहू लेके आएंगी ना, वो आपके लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी. इस घर का खर्च मेरे अकेले के लिए चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है. क्या करूं मैं? सारा दिन काम करता हूं, मेहनत करता हूं, नहीं पूरा कर पा रहा मैं. हमारे नाक के नीचे इश्क के पेचे लड़ाए जाएंगे. अपने बीवी बच्चे का पेट काट कर मैं इन दोनों की जिम्मेदारियां पूरी करता रहा हूं. ये सिला मिला है मुझे, लालच है मुझ पर. तुम चारों की पर्सनालिटीज के हवाले से मेरे पास कुछ सवाल हैं. अब क्योंकि जब एक साथ काम कर रहे होते ना, आप एक दूसरे को बड़े अच्छे से जान पाते हैं जी, है ना जी. स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले कलीग्स या स्टूडेंट्स या क्लास फेलोज वो भी, ऑफिस में काम करने वाले कलीग्स भी, और इस तरह शूटिंग पे क्योंकि आप लोग पूरा पूरा दिन जी हम ऑलमोस्ट एक साथ हो रहे हो रहते हैं, तो आप लोग जाहिर है क्या करूंगी. सबसे पहले ज़ैनब के सवाल करूंगी. ज़ैनब तुमने मुझे कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि तुमसे मैंने जवाब पहले ही ले लिया. मैं ज़ैनब की पर्सनालिटी के बारे में कुछ चीजें पूछूंगी. आपने आप तीनों ने अपनी अपनी राय से हमें आगाह करना है. जिसकी राय जो है ज़ैनब की राय से मिल गई उसको मैं पॉइंट्स दूंगी. इसी तरह मैं दानियाल के साथ भी करूंगी, आपके साथ भी करूंगी, सामा के साथ भी और आपके साथ. ठीक है ठीक है, ज़ैनब से शुरू करें. पहला सवाल, आप लोगों को क्या लगता है अगर ज़ैनब एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? लाज रख लो कुछ कोई बोलो. मैं बताता हूं, मैं बताता हूं. इतना सोच रहे हो? नहीं मैं सिंगर होती. टीचर? सिंगर होती आपको लगता है? आपको लगता है टीचर होती? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है तो हाउसवाइफ होती. हाउसवाइफ होती. तुम लोगों को कोई जीरो नहीं रखा यहां पे, जीरो डालूं सब जगह? क्या होती? क्यों होती हाउसवाइफ? वो नहीं, इसकी पर्सनालिटी बेसिकली शी इज लाइक
बहुत वो ना सादे से लोग इन जनरल सबर कर दो क्या सादे से लोग वर्किंग लेडीज का मतलब क्या है तो क्या बैंक में क्या हम वर्किंग लेडीज स्टूडेंट हैं गाइस ओके ओके क्या मतलब सादे लोग नहीं लेट मी गिव बात ये है कि क्या हम वर्किंग लेडीज चुड़ैले होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली ये हम ऑफेंड हो गए हम ऑफेंड हो गए जिस चीज जिस जानदार चीज से मैं बहुत प्यार करती हूं बिल्लियां पालती है एनजीओ बनाती है बिल्लियों वाला बात सुनो ओके मैं नहीं दे रही वो हार चुके हैं ना सर खत्म कर दे दूसरा सवाल दूसरा इतने इतनी हिंट मैं जिनको प्यार करती हूँ मैं उनके साथ उनको मार देती हूँ एनिमल प्रोटेक्शन में होती ओके ज़ैनब को लोग प्यार से क्या पुकारते हैं ये तो बता दो यार मैं तो इसको ज़ैनू बोलती हूँ ज़ैनू ज़ैना ज़ैनू ज़ैनी ज़ैना ज़ैनू 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 ज़ैनी में से किसको नंबर दूं सबको भाई को दो करेक्ट बिकॉज़ ओ हेलो मैंने भाई को दो अपने मैंने स्लैश डाल के दो ही नाम लिखे थे ये कह रहे हां चलो ठीक है भाई सबको नंबर दे दिया हमने और इसका वाला गलती से मेरे इसमें बैठा क्या कह रहे क्या कह रहे क्या कह रहे इसका वाला गलती से मेरे इसमें रख दिया आप ओके ठीक एक तो इन्होंने इतने स्टेपल किए हुए कि समझ नहीं आ रहा जा रहे सारे जा रहे तो जाने दे अच्छा भाई घर का ऐसा कौन से काम है जो ज़ैनब ना शौक से नहीं करती मैंने कहा मैं बैठूं क्यों खड़ी हो जाऊं काम सफाई और खाना बनाना मेरे ख्याल से दो सफाई और खाना बनाना इसको सफाई करना अच्छा लगता होगा तुम्हें तुम कह रही हो सफाई करना सफाई। नहीं अच्छा लगता तुम क्या कह रहे हो सफाई बर्तन धोना ये सब सफाई बात सुनो सब बता दो झाड़ू लगाना बर्तन धोना एक चूज करो दानी एक चूज सफाई करना सफाई तुमने क्या चूज किया सफाई बर्तन बर्तन ज़ैनब तुम बताओ तीनों में से किसको नंबर दूं तुम्हें क्या बोला सफाई सफाई दोनों सही है Because I'm allergic to dust, तो मुझसे सफाई नहीं होती कैसे भाई हो तुम बर्तन ये सबसे बड़ी एक्सक्यूज है सांस दे सांस ले लो गोल रोटी बना लेते रोटी कभी मम्मी ने नहीं बनाने दी ज़ैनब अच्छा अगला सवाल ज़ैनब किस चीज से सबसे ज्यादा डरती होगी क्या लगता है आप लोग यार ये तो तुम लोग अब हिंट नहीं देना ये इमोशनल है या फिर सीरियस वाला है मतलब कि मतलब कि किस मतलब कि भाई कोई ना कोई किसी चीज से डरता है जैसे मेरे मियां जो हैं वो ऊंचाई से डरते हैं जहां जहाज का टिकट कटाना होता है कहते हैं मैं नहीं जा रहा काम है ट्रेन में चलो सो हर किसी का कोई ना कोई डर होता है हाइट फोबिया मैं ये नहीं कह रही कि इसका भी हाइट फोबिया होगा भाई कोई और मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब देखें दो तरह के डर होते हैं ना एक इमोशनल भी होता है और एक वो नहीं 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 यहां चीजों की बात चीजों की बात हो रही है ज़ैनब चुप खबर अच्छा ओके लिज़र्ड ये छुपकली कह रही है आप क्या कह रहे हैं छुपकली इसके सब इतना मैंने उसको मैंने उसको देखा है ना छुपकली से डरती है छुपकली छुपकली तुम किसी और चीज का नाम मैं आपको क्या सुना सकता हूं छुपकली ओके ये कह रहा है कॉकरोच ज़ैनब इसको मैं दे रही हूं नंबर कॉकरोच नहीं यार छुपकली और कॉकरोच मैंने इसको डरते हुए देखा छुपकली से उससे भी डरती हूं उससे भी डरती हूं उससे ज्यादा कॉकरोच से ज्यादा नहीं ज्यादा ओके ओके ये कॉकरोच तो फिर आंख बंद करके निकल जाती है ये छिपकली देख ले तो ये बैठी रहती है सारी रात वहां बिठा दे आप इसको मैंने इसको देखा है इससे ना मैं कॉकरोच बोला भाई भाई मैंने कॉकरोच मैंने बोला भी इसलिए क्योंकि इन्होंने छिपकली अपडेट हो गई इट्स ओके ओके अच्छा देखिए हर कोई ना किसी ना किसी मामले में बड़ा अच्छा मशवरे देने वाला होता है फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग के मामले में कोई पर्सनैलिटी अच्छी मशवरे दे खाने के मामले में कोई बताता है रिश्ते के मामले में कोई बताता है ज़ैनब किस मामले में अच्छे मशवरे देती है रेस्टोरेंट्स रेस्टोरेंट्स खाने ओह यस हां इसकी माशाल्लाह पहलवानी से लगता तो नहीं है अब ये ना कह देना कि तुमने ये भी नहीं कहा था ये बिल्कुल नहीं कहा ये नहीं बोलो ये नहीं होगा आपको क्या लगता है मुझे ऐसा लगता है ये शॉपिंग के एडवाइसेस बहुत अच्छी देती है अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो आपसे बात करें डिसीजंस वगैरह कोई लेने हो तो फंस गया हूं मैं भी चेंज कर रहा हूं फंस गया हूं मुझे लगता है यार कहीं तुम इमोशनल हो जाती हो अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं ये ड्रेस पहनूं या कुछ ऐसे उन चीजों में मेकअप में अगर यहां से थोड़ा आपकी टीम का फॉल्ट है जब इन्होंने मुझसे पूछा था उन्होंने कहा था कि आप इन्होंने पूछा कि मशवरे किस बारे में अच्छी लगती है उन्होंने बोला था कि आप किस चीज में अच्छी हैं मैंने बोला डिसीजन अच्छा एक मिनट
चलो तुमने उनको जो जवाब दिया बंटी पाओ मुझे जवाब दो, तुम्हें अगर मशवरे देने हो तुम सबसे अच्छी किस चीज में, क्या कहते हो किस चीज का मशवरा देती हूं? तो मैं कहूंगी कि रेस्टोरेंट्स, खाने रेस्टोरेंट्स नंबर उसको दूंगी। ये क्या बदतमीजी है, हमें याद है वो उस दिन उसको जो पाए याद आ गए थे, ओ गॉड भाई क्या बदतमीजी है, इसने पाए पाए निहारी पाए निहारी वो वाले मशवरे भी देती है ये यार, ये आधा फाड़ के मुझे भी एक पॉइंट है एक्चुअली, मेरी टीम पूछ रही है जाता का है तो मैं आपको इसका जवाब दूंगी कि सिर्फ मशवरे देती होगी, खुद नहीं नहीं ये बहुत खाती है माशाल्लाह, ये बहुत खाती है, हम जेलस होते लगता है नहीं ये तो मुझे ज़ैनब बहुत खाती है माशाल्लाह। मुझे अभी भी किसी कोई और मुझसे बोल रहा था उसको मुझसे जेलसी हो रही थी कि मैं कैसे कर लेती हूँ, लेकिन हो जाता है कैसे हो जाता है वो क्या वो है, लेकिन बट वी आर सो हैप्पी बचपन से बेटा मेरी उम्र तक पहुंचे कि मैं भी ऐसी थी, दीदा मुझे हर बार हवा चलती थी ना और मेरी मम्मी कहती थी गरारा नहीं पहनना उड़ जाओगी, सो बेटा जब आप मेरी उम्र तक पहुंचे फिर लग पता हमें ठीक रखा हुआ है, हम ऐसे हैं नहीं, हम स्टीम खाना खाते हैं, हम किलो गोश्त जो है वो बस 100 ग्राम से ज्यादा नहीं खाते, फूंक फूंक के खाते हैं, इसलिए इसकी तरह थोड़ी पाए तुम खाने के बाद फूंके मारती हो। ओके जी चलो शैजल के बारे में बात हो रही है, अच्छा आप शैजल के बारे में क्वेश्चन करूंगी और तुम तीनों ने जवाब देना। शैजल अपने पैसे सबसे ज्यादा कहाँ खर्च करती होगी? शॉपिंग, कपड़ों, शॉप कोई चीज बता रहा, शॉपिंग तो बहुत आ गई, स्पेसिफाई करो ना, स्पेसिफाई मेकअप, मेकअप तो मैं भी मेकअप, आप बताएं अपने पैसों में तो मेकअप कपड़े ही लेती होगी, एक बताओ मेकअप कपड़े नहीं होता, या तो कपड़े या मेकअप, मेकअप बोल दो चूज हमारी, देखो मेकअप मेकअप कपड़े, अब चूज वन एक ही चूज करना आपको मेकअप और कपड़े, मेरा ख्याल है कपड़े। ओके ओके हाँ जी, तो मैं इन्होंने हमें बैग्स एंड शूज बताए जो किसी ने सही जवाब, यार कपड़ों में आते हैं ना, कपड़े कैसे कपड़ों में आता है वो, कभी तुमने इसको देखा है? आई बिलीव कपड़ों के साथ नहीं पहना होता, कभी कभार छोड़ भी देते हैं बैग, हर दफा थोड़ी, आई बिलीव बैग्स और शूज बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मैंने शूज इसलिए नहीं बोला क्योंकि शैजल के एक अदद जॉगर्स जो कि गलती से किसी ने मेरे बैग में डाले तो आज तक पड़े, शैजल को याद भी नहीं कि मेरे घर के अलमारी में इसके जॉगर्स पड़े थे, आई थॉट कि इसको इतना नहीं देखती होगी, नहीं तो क्लोज किसका आंसर था हमारा या किसी का भी नहीं, अच्छा कोई नहीं, नो मेकअप नो कपड़े बैग्स एंड शूज, आई स्पेंड मोर ऑन बैग्स एंड शूज, आई स्पेंड मोर ऑन बैग्स एंड शूज बिकॉज़ मुझे लगता है अच्छी इन्वेस्टमेंट है, या ब्रांडेड बैग लो, ब्रांडेड जूते कपड़े तो वैसे भी ले ही लेते हैं, ये बेच दीजिए 5 साल बाद उनकी वैल्यू बढ़ती है ना, देखो सच्ची बात है पैर में ना दर्द बर्दाश्त तो पूरी जिंदगी में पूरी बॉडी में दर्द होता है, और पैर का जूता या किसी और का तो अच्छा, और आपके पांव पे फिट भी नहीं होता ना, अच्छा हम लोग भी हैं, बैग और शूज किसी और के लिए भी क्या होते हैं, हम भी हैं तो ओके, हां जी नेक्स्ट सवाल, इसने भी सही नहीं दिया जवाब, ये किस पाकिस्तानी एक्ट्रेस को आइडियलाइज करती हो, कौन ये मैं किसी की बात कर रही हूं, पाकिस्तानी एक्ट्रेस, वो मुश्किल है, एक्ट्रेस एक्ट्रेस माया अली, माया अली आप बताए नाम, आयजा खान, उसको नहीं देखो, आयजा खान आप बताए नाम, तुक्का मारो, माहिरा, इसने बता दिया, मैं आई सो दैट, इसने बताया, इसने बताया अरे नहीं मेरा झूठ क्या, निदा अभी दोबारा चलाओ, एक पॉइंट आपने वैसे ही खाया, आप चला लें पीछे, यहाँ बैठे हुए लोग गवाही दें क्या इसने बताया नहीं, ये चीज मेरे अजीज, वाह आपने बताया, सामान अच्छा तुमने तो एक पॉइंट वैसे ही खिलवाया मेरा, वो लाइफ वाला ओके रेस्टोरेंट वाला था भाई, अभी तक ओसामा लीड कर रहा है, क्या है तुम्हारा ये खाली ओसामा के फोर हो गए, अच्छा शैजील जो है ना अपने मेकअप में किस चीज को सबसे ज्यादा फोकस करती होगी, आईब्रोज, आई मेकअप, लिपस्टिक, ब्लश ऑन, इधर देखो वो देखें, वो देखें, मैंने कहा इधर देख के क्या कर रही है, मैं ये देख रही हूं, अरे वो मुंह में देखो, मैं अपने कपड़े देख रही हूं, हां ये अपने कपड़े, आईलैशेस तुम्हें लगता है, आईलैशेस तुम्हें क्या लगता है, मुझे तो ये चीजें नहीं पता, लेकिन मुझे क्या इतनी चीजें तो मुझे भी नहीं पता, आईलैशेस नहीं मतलब वो फोकस किस पे कर रही है, देखो ज्यादा ज्यादा कुछ, अच्छा मैं दो आंसर्स दूं अगर, तो आईलैशेस नहीं, दो नहीं एक्सेप्ट करूंगी मैं, एक यार दोनों की इतनी चीजें होती है, दो तो देने की ऑप्शन दे, एक आईब्रोस ना, वो आईब्रोस ये कौन सा जवाब है ये, हां हां तुम्हें तुक्का मारो, ज्यादा क्या करती रहती है शीशे में खड़े होके, ये कुछ लोग कॉन्टोरिंग कर रहे होते हैं, नाक पतली कर रहे हैं, आते ना बाल मुंह पे आ सकता है, हवा तेज चलती है, नहीं नहीं बाल सर पे आते हैं, चलो मैंने ये बता दिया कि मुंह की बात है, अच्छा तो
लिपस्टिक होगी आईलैश लिपस्टिक नहीं या नहीं ये या क्या होता है या मैं भी असल में लिपस्टिक और आईलैश के दोनों के बीच में नहीं भाई एक चूज करो जल्दी करो मुझे पता है रात हो जाएगी मुझे पता है आईलैश मैंने चूज कर लिया क्या लैशेस ओके लिपस्टिक जो तुम बोल रही थी मुझे भी सुनाई दे रहा क्या है जवाब अच्छा बताया है ना हाँ नहीं बताया इसने नहीं मैंने इसको नहीं बताया गाना गा रही थी अच्छा क्या 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 नहीं तुम ये गाना गा रही थी आईब्रोज इसने सही बोला आईब्रोज एंड आईज पे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ चलो लड़के आईब्रोज बस तुमने सही बोला है ना आई वाज क्लोज ब्रो मैंने भी आईब्रोज बोला था ओके जी तो मैं तो बहुत ही क्लोज था किस चीज के अगला सवाल कौन सा कॉम्प्लीमेंट इन्हें खुश कर देता है कॉम्प्लीमेंट होता है अच्छा ये बिला वजह हंसी रहती है हमें नहीं पता हाँ, हमें नहीं पता क्या किसने क्या बोला किस चीज में खुश हुई हम कमरे में एंटर होंगे खुश हो रही होगी कॉम्प्लीमेंट अगर तुमने इनको मतलब तुम लोगों ने दे दिया है तो ये खुश हो जाती है हम तो कभी गुस्से से बात कर ले हंस रही होती है बात ये तो मुझे कि तुम आई डोंट नो वेट लूज किया तुम क्या कहते हो पता नहीं तुम क्या कहते हो पता नहीं ओके तुम्हें नंबर दिया क्यों कह रही हो और क्या और क्या नहीं तो ये मैंने जवाब दे दिया लीन हो गई हो सॉरी कोई नहीं दिया दिल में दिया था मैंने कहा लीन हो गई कि तुम लीन हो गई हमें तो आवाज नहीं आई दिल दिल में सोचा यार आपने टाइम भी नहीं दिया मुझे ओ भाई मैं वो नहीं हूँ जो नहीं होती जो दिमाग पढ़ लेती है वो कौन सी होती है वो कॉफी रीडर क्या टैरो कार्ड रीडर यहाँ से टैरो कार्ड रीडर कसम से मेरे माइंड में गई था मुझे क्या पता आपने मुझे देखा अच्छा नहीं है चलो ठीक है चलो पैसे दिए आप मुझे कोई जादू टोने वाली आंटी से बन रहे हैं आपने मुझे देखा और नहीं ओके चलें कोई आप लोगों को क्या लगता है कि इनके अंदर एक्टिंग के अलावा कौन सा और हिडन टैलेंट है कोई आई थिंक हिडन टैलेंट है ये भाई हिडन टैलेंट हाँ मोटिवेशनल स्पीकर मुझे बोलो हाँ सही है एक मिनट रुक जाओ मैं बोल दिया सही मोटिवेशनल स्पीकर ना आगे बढ़ो बताओ अब वहां से हैं जब तक मैं सोचता बार्गेनिंग क्योंकि एक दफा मुझे ज़ैनब ने बताया था कि बार्गेनिंग बहुत मैन मतलब शॉपिंग पे जाओ तो ये अच्छी कर हां ज़ैनब ने मुझे बताया था आई थिंक आपको मैं थोड़ा सा सेम मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर तीनों गलत हो बता दो सामा इनको कि कितने अच्छे तुम अकाउंट्स में अकाउंट्स मतलब यही बार्गेनिंग चेक निकलवा लेते हैं आपने ये कैसे अकाउंट्स मतलब बार्गेनिंग हम संडे बाजार में करते हैं अकाउंट्स हम ऑफिस में करते हैं मेरे से पूछ अच्छा मेरे से सवाल ही ये पूछा गया था कि अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते अकाउंटेंट अकाउंटेंट तो बार्गेन कहां से नहीं नहीं ये तो फिर नहीं टीम फॉल्ट नहीं तो मैं भी कान में टीम के अकाउंट में मेरे से पूछता कि आप क्या करते हैं तो मैं ये भी कहता कि यार मैं मोटिवेट अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो ये गलत कर रहे हो आप लोग नहीं 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 ये तो मेरे से सवाल ही पूछा गया था अगर आप ना होते एक मिनट टीम मुझे बताओ तुमने क्या सवाल पूछा सवाल ये किया गया कि एक्टिंग के अलावा और क्या हिडन टैलेंट है जो जवाब आया था अकाउंट्स अगर एक्टर ना होते तो क्या होते एक्टर ना होते तो और क्या होते आप जिसने सवाल किया वो मेरे कान में बैठी है वो भूल गई पर लिखा हुआ भी है कहाँ है इंग्लिश में लिखा होगा उर्दू में बताया था मुझे प्रोमो में ट्रांसलेट ऐसा वर्ड ट्रांसलेशन का मसला नहीं ये पॉइंट नहीं ये पॉइंट किसी को भी नहीं जा रहा मैं सब ठीक है चलें अच्छी बात है ओके बेस्ट 1 करोड़ अगर मिल गया ओसामा को तो ये अपना कौन सा शौक पूरा करेगा कोई दो में से आई थिंक प्लॉट ले लेगा इसमें प्लॉट बोल जाए तो मैं मुझे लगता है कि ये अपनी कोई मन पसंदीदा गाड़ी कोई महंगी गाड़ी करोड़ नहीं बचेगा जरूर थोड़ी पूरा करोड़ लगा तुम बताओ बता चले करोड़ रुपए आ जाए तो क्या चलो उसको भी उतना ही टाइम देना है उसको देखेंगे नहीं इस करोड़ से मैं अपना शादी शादी कर ले शादी में इतने तो खर्चे होते हैं आजकल क्या अगर ये शादी हुआ ना तुम्हारा जवाब तुम्हारा तो मैं अगर तुम करोड़ रुपए आने के बाद नहीं ये भाई मजाक कर अब बस फिर चलो बताओ आई थिंक प्लॉट या घर टाइप कोई चीज दोनों को जवाब दे देते हैं सही सही जवाब सही जवाब है ओ सही जवाब है नहीं बोला प्लॉट लेगा वो बोल चुकी थी नहीं 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 सुनो वैसे करोड़ का प्लॉट मिलेगा कहां नहीं मैंने दो चीजें कही थी क्या प्लॉट और गाड़ी
प्लॉट है गाड़ी, गाड़ी। आपने पहले मेरा एक नंबर लिया मतलब है। मैं परेशान ये कि इसको प्लॉट करोड़ का कहाँ मिलेगा और ये कह रहा है गाड़ी नहीं ना मिक्स कर या फिर गाड़ी मिला लेगा ना पैसे किस्त पे ले लेगा ना सही प्लॉट या फिर गाड़ी नहीं पॉइंट एक मैं भूल गई डाल दिए जाना हो गया जाना मुझे मिलना था पॉइंट तुमने भी हाँ मैंने गाड़ी बोली मुझे क्यों नहीं उसामा क्या मतलब तुमने तो प्लॉट का नहीं बोला मैंने वही सबसे ज्यादा जरूरी चीज गाड़ी तुमने गाड़ी बोला इसने प्लॉट बोला था प्लॉट या गाड़ी तुमने नहीं बोला गाड़ी अभी अभी मैंने कहा है तुम चारों में सबको नंबर दे दूं नहीं 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 दानियाल को नंबर नहीं देना उसके ऑलरेडी तीन हो गए सामा कोई मसला नहीं है दानियाल करेंगे ऑलरेडी तीन हो गए अच्छा ओके चलो चलो एक और बात खवातीन की कौन सी बात उसामा को ना वो बुरी लगती उन्होंने मुझसे पूछा मैंने कहा बताएं फिर मैंने जवाब दे दिया था कोई खवातीन की बात खवातीन की एक बात जो उसको बुरी लगती है भाई बहुत कोई ऐसा जवाब हुआ नहीं कोई ऐसी उल्टी पुल्टी बात नहीं नहीं, नहीं मतलब कोई बात अच्छे घर का बच्चा है वो बिल्कुल अच्छी बात की अच्छा अच्छा खवातीन की कौन सी बात बुरी लगती है नखरे यार वो भी नखरे बोल रही है तो है अब आप लोगों में हम क्या कर सकते भाई उसामा ने जवाब दिया था कि ज्यादा बोलना और क्या था ज्यादा बोलना हाँ ज्यादा क्वेश्चंस करना और ये हर मर्द को बुरी लगती है बात ये अच्छा ज्यादा सवाल स्पेशली आदमी जो है मियां बन जाता है तो उसको तो हर वक्त सवाल क्यों करती रहती है इसमें तो आप किसी को पॉइंट नहीं देंगी क्यों ना मैंने नहीं दे रही आप लोगों को बिल्कुल सही बिल्कुल चलो भाई अब दानियाल की बारी अभी तक जो लीड कर दानियाल हार चुके हैं क्योंकि दानियाल का कोई और नंबर मिलने का चांस नहीं है ये आपने पता गलत दानियाल किस खाने की चीज को देखकर अपना हाथ नहीं रोक सकता तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए उबले अंडे ही खा लेते हो क्या नहीं 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 उबले अंडे तो डाइट खराब है केएफसी हां भी कर दे ब्रांडिंग सॉरी मैंने इसको वही खाते हुए देखा है सो आई डोंट नो एक जिंगर बर्गर होता है एक बर्गर होता है जिसमें जिंगर होता है चलो भाई सच सही तुम बता दो जैनब तुम्हें पता नहीं ये तुम्हारी कहां बार बार चले गए हम लोगों ने शूट पे बहुत अंदर यही रहो पाकिस्तान बिरयानी खबरदार जो कोई हिंट दी मुझे गलत किसी को जवाब पराठे पराठे खाते हम लोग पराठे पराठे खाते पराठे दानियाल के बाद मिलना वो दूसरा हमारे सामने तो इसने कोई पराठे नहीं कोई नंबर नहीं मिलेगा हमारे सामने तो तुमने कोई पराठे नहीं यार हम लोग सुबह उस वाली जो हमारी लोकेशन है जहाँ हम लोग घर पे शूट कर रहे होते हैं मेरा बच्चा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ये तुम्हारे तुम्हारे जवाब है तुम्हारी मर्जी पराठा मुझे पसंद है क्या मतलब तुम लोग दानियाल अच्छा दानियाल पता शूट कैसे करते हैं दानियाल को सुबह सुबह बुला लेते हैं 10 बजे और दानियाल मेरा पहला दिन था ना दानियाल सो के उठ के आ रहा है और यही होता है दानियाल पहला दिन था मेरा दानियाल उठ के मेरा सीन कब है यार मुझे बता दो वरना मुझे घर वरना कल जो फारिक रूम होता है जाके सो जा सो जाते नहीं यार मेरे दानियाल आपका सीन आ गया सीन करवाया फिर जाके सो जाते मैं तंग नहीं करता ना अब मैं बैठूं मैं बोलूं कब हो रहा है सीन मेरा क्या बदतमीज मैंने एक दिन दिया है अब सीन नहीं कर रहा मैं सो जाता हूं जाके हाँ सही कह रही है तीनों में से किसको बोल रहा है ये अच्छा ओके अगला सवाल सही हाँ दानियाल किस हीरो की तरह अपने आप को बनता देखना चाहते हैं आगे के आगे फैसल कुरैशी आपको क्या लगता है पाकिस्तान से ऑप्शन पाकिस्तान जी पाकिस्तान से बता दें फैसल कुरैशी आपको क्या लगता है फैसल कुरैशी अच्छा वैसे जब फारिग होता है दानियाल तो ये क्या करना पसंद करता है जल्दी बता दो जिम चलो अगला अगला खाना ट्रैवल क्या खाना ट्रैवल फारिग होता है मतलब फारिग मतलब छुट्टियों पे होते हैं मतलब लाइक काम नहीं है जब काम नहीं है तो आपस में आते हैं सवाल तो मुझे याद नहीं है मुझसे इन्होंने पूछा भी नहीं कहीं भी जब फ्री है घूमता है जिम करता है घूमता है जिम और जिम मेरा उसने अभी बताया वो सोता है जब फ्री होता है सोता है ये सवाल सेट पे सो जाता है सवाल तो पूछे उससे क्या पूछा था उससे ऐसा मैं सच बताऊं आपको हां मुझे नहीं याद कि मुझे सवाल भी हुआ है कि नहीं सुबह में
वो सुबह सारे बहुत नींद में थे या फिर आपको अगर सुबह सुबह गजनी हुए वो तो उसमें मेरा कसूर नहीं, लेकिन हुआ होगा, लेकिन बिल्कुल सवाल बिल्कुल सच है, सोना एक सवाल मेरे से हुआ था हाँ, लेकिन मैंने कहा था मैं बाद में जवाब दूंगा उसका, फिर वो सवाल आपने पूछा ही नहीं। अगर मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता हाँ तो मैं क्या चेंज करता, चलो अभी बता दो। अगर मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मैं क्या चेंज, लेकिन मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी, मैंने कहा ये जवाब दे देंगे मेरे भी आपको। तुम लोगों को क्या लगता है क्या चेंज करता? सड़कें बिजली, सड़कें बिजली और बिजली नहीं, 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 सारी नहीं, महंगाई कम कर देता। कैसे हो जाती समझ आ रहा कि मैं क्या करता? मुझे लगता है महंगाई कम कर कैसे? देता आई डोंट नो कैसे कर देता खुद ही, मतलब मैं होता तो मैं होता तो मैं पेट्रोल 5 रुपए का करता। कैसे? टैक्सेस वगैरह महंगाई कम करता। हाँ ये इस तरह की कोशिश, यही कुछ करता। मुझे लगता है कि टैक्सेस बढ़ा देता हूं, लगेगा ज्यादा नहीं बढ़ता है, मैं इनकम टैक्स ज्यादा कर दे सीधा भाई। इस वाले गेम में तो जीत गया है, एन अवार्ड गोज टू यू। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं जी, तेरी राह में, सही बोला ना मैंने, तेरी राह में रोज डेली 7 days a week 3rd January से आप देख रहे हैं और देखते रहेंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और ये सलाम है मुझे, उनकी नजर तो सिर्फ तुम्हारी जेब पर होती है। मैंने दानियाल से कह दिया फखर इस घर में अब नहीं आएगा। मैंने आपके लिए एक लड़की फाइनल कर ली है। मुझे तो लगा था कि ये दानियाल की दोस्ती में वहाँ आता जाता है, लेकिन अब पता चला कि उसकी बहन की खातिर इतने चक्कर लगे। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, तेरी राह में 3rd January से रोज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उसकी जो कुछ कास्ट मेंबर्स हैं वो आज हमारे साथ हैं, और यहाँ गपशप करिए, बड़ा एक फास्ट पेस सा मॉर्निंग शो चल रहा है, इसी तरह ड्रामा भी है बिल्कुल, ये ठक 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 है ना, इवेंट्स हैं और वो, और जो वैसे रोज वाले ड्रामे होते हैं वो होने भी ऐसे फास्ट पेस राइट, स्लो वाली चीजें नहीं होती, कहाँ से कहाँ, मतलब लाइक एक हफ्ते बाद कहाँ से कहाँ कहानी पहुंच जाए, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। So, चले आज कुछ सेट के बारे में भी बात करते हैं कि सेट के अंदर की बात हमें पता चले कौन क्या है कौन क्या है। हम म्यूजिक बजाएंगे और जिस पे भी ये पार्सल रुकेगा ठीक है वो एक रिबन खोलेगा। तो अच्छा, अच्छा ओए तुम पार्सिंग द पिलो बता के, दो गेम्स बता के मुझे फंसा गई। अच्छा मैं वही कह रही थी, और ये पास कैसे करेंगे उछाल के इतना बड़ा? नहीं नहीं ये ऐसे करेंगे कि एक एक करके रिबन खोलेंगे ठीक है, और फिर मैं सवाल करूंगी जो भी रिबन खोलेगा। यही थी ना एक्टिविटी। हेलो एक्सक्यूज मी, वो नीचे देख रही हूं पेपर गिरा है। नहीं किसी के मूड। हां 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 ओके, पहला सवाल तो मुझे पता है, पहला सवाल तो मुझे पता है। अच्छा इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता, मैं अपने पूरी से जितने भी अल्फाज हैं वो वापस लेती हूं, वैनिश डिलीट ठीक है। अब दोबारा से मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूं ठीक है। ये जो गिफ्ट बॉक्स है ठीक है, मैं जो सवालात करूंगी इसके जवाब में वो जवाब जिस पे फिट बैठेगा, फॉर एग्जांपल पहला मेरा सवाल है किसका मूड पल में बदल जाता है आप चारों में से, सो वो ये रिबन खोलेगा। ओके आप चारों में से किसका मूड पल में बदल जाता है, आप दूसरे लोग भी बता सकते, हम दूसरे का बता सकते हैं राइट। आई थिंक मेरे भाई उसामा शैजल, तुम्हें क्या लगता है शैजल, और तुम्हें क्या लगता है? I think शेज़ल। अच्छा मुझे बताइए कि किसका सही जवाब पे खुलेगा रिबन? मेजॉरिटी विंस, मेजॉरिटी विंस। खत्म हो गई मेजॉरिटी, शेज़ल बोल दो। जो मेजॉरिटी था उसका कुछ, अगर आप बताएंगे कि आपका ही मूड बिगड़ जाता है सो वो टाई हो जाएगा, टाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप बताएंगे कि शेज़ल का ही बिगड़ जाता है तो फिर शेज़ल का ही बिगड़ेगा, वही खोलेगा। तो मैं अपने कर लेता हूं, टाई कर दिया, टाई कर लिया, जीतेगा वो जिसका रिबन सबसे आखिर में, जिसका रिबन होगा ना वो जीतेगा। शैजल का ऐसा होता है कि कभी कभी बिल्कुल चुप होती है, कभी एकदम से हंसने लग जाती है, बोलने लग जाती है। मतलब लड़की थी दीवानी सी, जिन्नात नहीं, इसमें ना थोड़ा सा शैजल यह कि शैजल हंसती मुस्कुराती रहती है, हंसती मुस्कुराती रहती है, बिना वजह भी हंसती रहती है, हमेशा हंसती रहती है, और यू नो लाइक यू रहती हूँ ना, तो जब मैं अगर क्वाइट होती हूँ तो आई थिंक इसलिए उनको लगता है कि ये क्या हो गया, तो अचानक से कभी चुप भी हो जाती है, और अचानक से फिर हमारे आसपास अलग अलग मूड्स भी हैं। अच्छा आसपास रिबन खोल ले, इफ्तिता करें आप, इफ्तिता। मुझे तो लग रहा था वो ज्यादा अच्छा था कि हम पास करते हैं ना, हाँ है ना, मैं तो खैर अच्छा आप वापस नहीं नहीं वहीं पे अपनी गोद में रखो, ओके बहुत भारी है
इसको ताली मारने की आदत है बहुत ज्यादा, मार चुकी हूं बहुत ज्यादा। हां हां सेट पे बैठे बैठे सेट सीन में होते होते भाई मैं तो उसको ऑडियंस समझ गए होंगे मैं तो एक्चुअली वाली थी मैं तो उसको एक्चुअली में भी जब हमारा सीन भी नहीं हुआ था कि भाई भाई थक थक ओके किसकी ऑब्जर्वेशन लोगों को लेकर हमेशा ठीक रहती है मेरी तुम्हारी मतलब हाँ भाई आई थिंक ज़ैनब की ज़ैनब 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 तुम भी जवाब दो किसकी ज़ैनब अपनी अपनी तो लाइए जी ज़ैनब ज़ैनब रिबन खोले क्या मतलब लाइक इसकी जो भी कोई बंदा सेट पे आया बारी है ना जो भी कोई बंदा सेट पे आया है तो ज़ैनब उसको बोल देती है कि लाइक नहीं सेट पे नहीं वैसे नॉर्मल जनरल नॉर्मल लाइफ नॉर्मल लाइफ में ओके मतलब हम कहते हैं छुट्टी है छुट्टी ज़ैनब कहते नहीं नहीं अच्छा सिचुएशंस की भी ये समझ जाती है नहीं छुट्टी नहीं होती नहीं ऐसे नहीं पेशेंट गोई अच्छी होती पेशेंट ओके कौन सेट पे टोटके वाली आपा है ये ना दौड़ में दर्द है ना लॉन्ग रख लो हम चार में से पेट खराब है ना चार में से तो हम चार में से तो कोई नहीं टोटके लेकिन एज इन अच्छा टोटके एज इन स्किन केयर व्हाटएवर वो भी होते हैं कोई देसी टोटके तुम ना ये लगा लो दाना निकला अच्छा तुम मुझे लगता है जो भी बात खोलो अच्छा वैसे कौन है तुम चारों में से और कौन मैंने तो बता दिया मुझे लगता है मैं तो इसी से खुलवा मैं क्यों खुलवा लेता हूँ उसने मुझे टोटके वगैरह काफी हकीमी वगैरह टोटके यार अगला मैं अगला जो भी मैं आप ओके दानियाल प्लीज आप ये दानियाल को प्लीज असल में व्हाट साइड टोटके पे ये कौन से बताओ ये जबरदस्ती एक टोटका बताओ दानियाल अगर आपके दांत में दर्द है तो आप लॉन्ग रख लें ये मैंने अभी आपके गले में दर्द है मेरे दांत में दर्द ये मैंने अभी दांत के दर्द का अभी लॉन्ग वाला बताया दूसरा बताओ दूसरा कोई और बताओ ना चलो अच्छा हां मुझे लगता है मैं जनाब ये एक पीले रिबन रखो ठीक है मत करो रिबन खोलने से मत करना दिस ऑन रिबन जमा करने वैसे टोटका अगर आपके कान में दर्द है तो आप जो है वो सरसों का तेल में उसको गर्म करें उसके अंदर आप थोड़ा सा लहसुन डालें ठीक है फिर लहसुन हटा के वो अपने कान में डालें इतनी मेहनत में मेरा दर्द ही सही हो जाता है मैं इतना काम कर काम में दर्द है आप भी अपने आप को टोटका नहीं नहीं जब कोई भी किसी की तबीयत खराब हो बताएं कि टोटका मतलब ये तो पेट की जब भी बात करते हैं तो मैं केला खा लेता हूं मसले को मैं सब कुछ बताता हूं वो क्या अदरक का पाउडर हाँ. वो आप रख ले जबान पे हाँ. और पानी पी ले तो अगर आपको एसिडिटी है कोई भी है तो आप ऐसे सही हो जाए ऐसे सही तुम भी बताओ शेरी नहीं मैं तो क्रीम्स मॉइस्चराइजर ये चीजें बताती हूं टोटके वो टोटके नहीं है कोई भी एक ये क्रीम लगा लो इससे मॉइस्चराइजर सर वो क्रीम अब मैं फिर आप नाम लूंगी आप कहेंगे ब्रांडिंग हो रही है चुपके से बता नहीं लेकिन देसी बताओ ना देसी टोटो का मतलब है ब्रांडिंग नहीं देसी टोटो हां देसी नहीं देसी नहीं हां मतलब इसको बस स्टीम लेनी अगर आपको ये और मैंने आपको अभी एक टोटका एक और बताया था आपके गले में दर्द था जब मैंने कहा था कि आप मुलट्ठी यूज करें ये एग्जैक्ट और मैंने भी मैं खोल स्टीम स्टीम ले सकते हैं आप स्टीम लॉन्ग की स्टीम ले सकते हैं लॉन्ग पोर्स खुल जाते हैं लॉन्ग की स्टीम ले तो ये आपका गला वगैरह सब कुछ ठीक हो जाता है अभी जाते लेते हैं ये तो बड़ी कोविड में भी आप लें तो आपके बिल्कुल सही हो जाता है हां हमें तो ऐसा कोविड हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ ठीक भी नहीं आई एसिम्प्टोमेटिक ओह वाओ हां भाई अलहमदुलिल्लाह अच्छा ये ज़ैनब में आप कह रही हैं बस ज़ैनब और मैं एक मेरी बहन ज़ैनब दे दो दो टोटके अच्छा मुझे बताएं रिबन जो खोलेगा सबसे ज्यादा जिसके पास रिबन होगा वो जीतेगा किसके पास आप चारों में से हर बार लेट आने के बहाने होते हैं जिम में होता हूँ ये भी एक बहाना ही है क्या बहाना बहाना नंबर वन देर से खुली हाँ मैं जिम में था जिम में था मैं जिम में था जिम में था जिम में था ओके और कोई बहाना है बहुत ट्रैफिक है यार बहुत ट्रैफिक अरे हड़ताल है बार भाई बहुत ट्रैफिक है बार थैंक यू मुझे लगा अगर ऐसे कोई सवाल हुए तो मैं जीत सकता हूँ ओके अगला सवाल कौन सेट पे बातों की पिटारी है
पिटाई चैटर बॉक्स यार, ये तो मैं समझता हूं मुझे भी चाहिए। दानी, आई वुड से दानी, दानियाल से। हां दानियाल हमारे सेट पे नहीं होता वो, तो अभी मैं अपना सेट छोड़ के नहीं, हमारे सेट पे तो शैजिल है भाई, हमारे सेट पे तो एक काम कर अलग अलग है, एक मैं खुद खुलवा लो एक okay, नहीं ये क्या बात हुई भाई, नहीं भाई भाई मैं उसके पास है भाई, उसके पास है एक, तुम येलो वाली लीजिए। मैंने भी दानियाल को देखा बहुत बोल रहे होते, पर्पल ले लो, अच्छी बात है, अच्छी मैम अच्छी अच्छी है, मुझे बताएं सारी कास्ट को आपस में भाई, हमें तो बोलने के पैसे मिलते हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं सुकून, नहीं मुझसे कोई सवाल करता है ना जी, कैसे बोल लेती हैं आप रोज ढाई घंटे के बोलने के पैसे मिलते हैं। ओके दानियाल तुम्हें कैसे, तुम्हें सोने के मिलते हैं दिमाग में हर वक्त खाना छाया हुआ होता है, मैं ये मंगाऊंगी या मंगाऊंगा। अच्छा ये ज़ैनब को दे दीजिए, कितने रुपए हैं तुम्हारे पास ज़ैनब, छुपाती रहो आप बोलते हैं इसको खाना लगता नहीं। सारे आइडियाज ज़ैनब भी देती है, सारे आइडियाज, और फिर सब सब आज पाए खाने, आज ये खाना है, आज वो खाना है, और सब इसको देख के हाँ वही खाएंगे, हाँ वही खाएंगे, वही खाएंगे, और हमारी मोटिवेशन ही होती है, इसको लगता नहीं हमें भी नहीं लगेगा, और इसको नहीं लगता और हम सबको लग जाता। अच्छा कौन अपने साथ साथ दूसरों की स्टाइलिंग पे भी बड़ी नजर रखता है, मतलब यार बाल ये वाले कर लो तुम पे ज्यादा सूट करेंगे, अरे भाई बेल्ट ऐसे बांध लो, सामा है लड़कियों को भी बताते हो, बताता हूँ मैं यार, असल में ये सवाल सुहेल भाई, नहीं नहीं इसने पॉइंट किया था तुम्हारी तरफ कि मेरा नाम है सुहेल भाई, ये सवाल ऐसा है कि मैं शैजिल कहूंगी और दानियाल उसामा कह सकते हैं, लड़कों के लिए उसामा और मेरे लिए शैजिल, या दो रिबन खुलवा दो, हम आप बॉक्स इधर दे दें प्लीज, थैंक यू, मेरे ख्याल सारे रिबन खोल लेते, अच्छा तुम भी खोल लो, ठीक है तो सारे गेम खोलेंगे, नहीं नहीं मैं खोलेंगे, तुम हमारे मेहमान हो बेटा, अरे वाह थैंक यू, एक घंटा रह गया मेहमान बने रहो, आधा घंटा रह गया, उसके बाद तुमसे सारी सफाई करवाओगे, आप अपने रिबन खुद खोलोगे। हाँ क्या क्या मशवरे देते, जैसे ये क्या मशवरे देते दानियाल, क्या मशवरे देते हो दानियाल, रिबन खोले जा रहे हो बताओ तो सही, मशवरे क्या देते हो, तुम पूरा डब्बा क्यों खोल रहे हो, नहीं एक ही खोल रहे, मशवरे मतलब ये कि बाल ये कर लो, उसकी शादी का सीन था तो ये रखो, ये पहनो, ये अच्छा लगेगा, वेस्टकोट कर लो, और ये तुम क्या देते हो, मैं तो यही जैसे शैजिल से अगर मैंने कुछ पहना है या इस पे इयररिंग्स के साथ सूट करेंगे या मेकअप या एम आई लुकिंग, फॉर एग्जांपल हम यहां आ रहे थे तो ज़ैनब ने मुझे पहले ही पिक्चर दिखाई दैट द ड्रेस जो उसने पहना हुआ, शी इज लाइक इज दिस इज गुड, आई वाज लाइक यस प्रीति तो पहन लो, सो हम करते रहते हैं, ओके या या ओके। अच्छा वाह, मैं रात के 4 बजे तक शीशे के सामने खड़ा रहूं क्या पहनूं। अच्छा कौन अपनी चीजें बहुत खोता है आप चारों में से, खो दे रख के भूल गया, शौकत साहब चलो मेरे बन कॉलेज साहब, शौकत साहब मैं भी तो भूलता हूं, नहीं इसका तो मेरी बात नहीं भूलते हैं, थैंक यू, इसका नहीं पता, इसका क्या भूल गई कि भूल गई, मजा आए ना समाचार के गिफ्ट मिले अंदर से क्लोन का जोड़ा, कितना मजा यार, मैं एक जोड़ा बेचने राइट, अभी दानियाल के साथ हमारा नहीं, जैसे उनका अलग हाउस है क्योंकि उसकी फैमिली है, ये मेरी फैमिली है, तो मेरे साथ शहरोज है, तो आई थिंक अगर शहरोज होता तो वो मेरा नाम, हाँ शहरोज मुझे लगता है, अगर शहरोज होता ना मेरा नाम लेता, लेकिन आई थिंक अच्छा अगर शहरोज होता तुम्हारा नाम लेता, हाँ देख इसको यार शहरोज को कॉल करें, हमारा नाम लिया शहरोज को, नहीं नहीं दिस इज व्हाट आई डू नॉट विद दानियाल भी, शहरोज को क्या दिया, बिकॉज़ मैं दानियाल की एक चीज ले चुकी हूं ऑलरेडी, तो मैं उतना उसने मुझे लाके देना शहरोज ने, शहरोज कहता कि शैजील हातम ताई, ये तो एक इमेजिनरी बात है, शहरोज को फोन करे और पूछ ले कि वाकई ऐसा है कि नहीं, मुझे लगता है वो यही कहता, देखिए हमें बहुत दुख है कि वो ये कह रही है कि मुझे शहरोज ने को मैंने शहरोज ने क्या किया था, आई कैन टेक द नेम, सो लाइक जस्ट आपके लिए हातम ताई यही होता है कि गिफ्ट की थी जो शहरोज ने मुझसे वादा किया था, मुझे लगा था एज इन फॉर एग्जांपल आप कोई सेट पे चीज यूज कर रहे हो मेकअप की या व्हाटएवर एंड किसी और को वाओ यार ये बहुत अच्छी चीज है, तो मैंने मैंने दे दिया था, देखा मैंने और मैंने शहरोज को बहुत अच्छे शहरोज ने तुम्हें भी लाके दूंगा, हाँ शहरोज भी ऐसी है, तो वो वही मुझे था, नहीं तो मैं दूसरा मांगेगा शहरोज तुमसे, तो खोले के मैं खोल उसामा यार, नहीं ये दानियाल, ये मुझे मुझे ये अपनी, अगर शहरोज नहीं है तो आजो दानियाल, इवन शहरोज भी ऐसे है, शहरोज कहता है यार चलो अगला सवाल खोलो एक रिबन, जी जी मैम खुल गई, आप अरे खोल खोल के जेबों में छुपाए जा रहा है, मैंने देख लिया दो और तर्स खाते रहो किसके पास तो है ही नहीं, हाउ मेनी डू यू हैव, बिल्कुल बिकॉज़ ऐसा ना कच्चे खरगोश वाली ये चीज हो जाए,
तो हाउ डू यू हाउ मेनी डू हैव थ्री इसमें अच्छा कौन बीबीसी है आपके सेट का कौन क्या है इसके पास हर खबर इंडस्ट्री की पता है खान साहब दे दे खान साहब धमाका खान साहब आई खान साहब के पास ले लो मुझे लग रहा है लोन का ही जोड़ा है ओके नाउ इट्स अ टाई ब्रेकर एक्चुअली वी आर मॉरल अच्छा नाउ इट्स अ टाई ब्रेकर कैसे टाई ब्रेकर आई हैव 3 ही हैज 3 नो आई हैव 3 एज़ वेल एक दो तीन और ये चौथा भी मेरा ही लग रहा है मुझे नॉट इवन क्लोज वापस कर दे मैं अपनी दे दूं जो हार रहा होगा मैं पास मैं दो इसके पास आत्मताई प्रूफ करोगे मैं हां ओके किसको ये सही जवाब देना बस बस ये नहीं किसको हमेशा घर भागने की जल्दी होती है यार मुझे यार सबको शिट मैन जैसा मुझे मुझे शैजल कभी बताया इसके तो मैं प्राइस मिलेगा साढ़े नौ बज रहे होते शैजल कहती है साढ़े नौ बज रहे हैं हाफ एन आवर वॉल्टर भाई सीन हाँ अभी क्विक ये कपड़े चेंज वॉल्टर भाई कहते हैं ये किया सीन ऐसे मैं आपको बता रही हूँ नहीं होगा मैं जा रही हूँ बॉस हो जाएगा मैं आपको बता रही हूँ फिर क्विक क्विक शैजल हम चेंज करें या नहीं करें और शैजल खाली दो तुम रोज के दो तीन तीन ड्रामे रोज के करके तुम थक गई हम 12 साल से रोज आ रहे हैं आपकी हिम्मत है ऑनेस्टली 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 ये खोल सकते हैं इसको खोलो अभी खोलो अब अल्लाह करे इसके अंदर मर्दों की शर्ट हो देन आई विल गिव इट टू यू मैं वैसे भी वही हूं ना हातिम हातिम तक तय की लास्ट ये शैजल जीती ना खोलो तो मैं अपनी टीम से पूछ रही हूं खोले शर्मिंदगी तो नहीं हो जाएगी ना अच्छा मुझे देखना पहले ओके 1 2 3 हमने कुछ ऐसे ही किया ये लेकिन लेकर भी आई है मेरे लिए बाहर से शैजल अभी गई थी अच्छा हुआ क्या शैजल बाहर गई शैजल को कहा कि चॉकलेट्स ले आना तो मेरा खुद रास्ता नहीं था मैंने ज़ैनब से कहा मैंने किसी को लेके आया चॉकलेट देखिए मुझे मैसेज कन्वे ज़ैनब ने किया सो आई थॉट कि ज़ैनब को चाहिए तो पूरा ये इतनी ज्यादा लेकर आ गई बैग ऑफ चॉकलेट्स लाइक पूरा इतना ज्यादा चॉकलेट्स लेके आई मतलब क्यों कहां गई थी क्या वजह मैं दुबई गई थी आई वाज ट्रैवलिंग ये चॉकलेट लेके आई थी अब हमें तो लगता है ना जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनको लगता है बाहर जा रहे फ्री चॉकलेट्स मिलती है लेके आ जाना हां सिर्फ चॉकलेट से आ गई थी जो बंदा बाहर जाता जी चॉकलेट बट दैट वाज सो क्यूट क्योंकि मैं लास्ट टाइम गई थी तो मैं भूल गई थी मैंने कहा ज़ैनब इस दफा तो मैं लेके आई हूं और मैंने बैग में रख लिया अलग से मैंने कहा अलग कर दो ये इसने दे दी तो ये शैजल तो नहीं खाएगी तो मुझे समझ आ गई उसको तो लगेगी नहीं चॉकलेट उसको कुछ भी नहीं लगता तुमने खा ली तो यहां आ जाएगी मैं भांजे को दे दूंगा कुछ भी नहीं लगता भांजे को एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान लेकिन रोज 3 जनवरी से तो आप पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं लेकिन आज से रोज देखिए तेरी राह में गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ईमान अगर मोहब्बत सच्ची हो ना तो मंजिल अपना रास्ता खुद बना देती है मेरे पास लफ्ज नहीं है बताने के लिए कि मैं क्या फील कर रही हूँ लफ्जों की जरूरत भी नहीं एहसास काफी है बस मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ शादी करना चाहता हूँ उससे बेवकूफी की भी कोई हद होती है पहले एक जवान लड़के को अपने घर में घुसाया और अब उसी से अपनी बहन की शादी करने चले तो कोई बात तो जरूर है वरना क्यों आता है वो इस घर में तुम्हारा खर्चा पानी जो चल रहा है उसको कर देना तेरी राह में रुलते फिरते मुझे शादी नहीं करनी तेरी राह में रुलते वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान 3 जन वापस आ गए हैं गप्पूड़े सब अपने गप्पे मारे जा रहे हैं मैं तुम लोगों के ड्रामे का बता रही हूँ 3 जनवरी से देख रहे हैं लोग इस ड्रामे को रोज आप देखेंगे रात शाम 7 बजे तेरी राह में तो सही टाइम है पता ही है उसके बाद लोग शादियों में चले जाते हैं ड्रामा देख के शादियों में जाकर डिस्कशन करते हैं परफेक्ट टाइमिंग है परफेक्ट टाइमिंग है ज्यादा नहीं तुम लोगों करो अच्छा देखो तो बहन भाई की जोड़ी यहाँ बैठी हुई है मैं तुम दोनों को सामने सामने खड़े करूंगी जोड़ियों को और 5 सेकंड क्वेश्चंस करूंगी और जैसे ही तुम लोगों ने जो जैसे सही जवाब दिया वो जीतता जाएगा फॉर एग्जांपल चलो तुम लोगों से शुरू करते हैं आओ यहाँ क्या जहाँ तुम लोगों की मर्जी जो एंगल दोनों साथ है नहीं ये भी नहीं नहीं एक एक करके करेंगे मैं मुझे पता है ना अनु सही कह रही हूँ ना मैं हाँ थैंक यू अच्छा ओके हाँ भाई हमारा आपस में मुकाबला होगा
जी ओह वाओ मेरा दानियाल से करवाएं 5 सेकंड मर्द के साथ करें हां हां चलो सही ऐसे कर ले चलो दानियाल बी हैप्पी दानियाल क्या याद रखोगे जाओ ये क्या बात थी वैसे इजाज़त नहीं इसको लगा के मैं पंजा लड़वा रही हूं पंजा तो नहीं लड़वा रही हूं अच्छा देखिए इसमें हो सकता है कि कोई मसला हो ये देखिए 5 सेकंड मैं क्या पता बोल दूं देखो करना ये है कि 5 सेकंड के अंदर अंदर बाजा बजाना तो ये बच क्यों नहीं बच क्यों नहीं बच तो रहा है बस ठीक है थोड़ा सा जोर लगा कंपनी देने के लिए आ रहा है देने के लिए आ जाए चलो ओके हां चले बचपन में मार खाने के 3 रीजंस किसने बजाया इसमें मैंने हां बोलो जल्दी गंदगी और ये बदतमीजी और घर लेट आना मगरिब ओके 1 एक पॉइंट ओके नेक्स्ट सवाल जैसे तुम्हारा अच्छा सॉरी व्हाटएवर हां ओके नेक्स्ट सवाल बिजली का बिल बचाने के 3 तरीके बताओ बोलो एसी ना चलाना ओके क्या नाम है पंखा और शाम को लाइट रात को लाइट बंद करके सोना 5 सेकंड ऊपर हो गया 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 शेजन झूठ नहीं 5 सेकंड ऊपर हो गया नहीं सही हो गया रात को लाइट खोल के सोती हूं नहीं घरों की जो बालकनी वगैरह में होती है सही मानू कि नहीं हां बालकनी में लाइट्स होती है तो जल्दी बात सुनो इस्त्री कम करना एसी वाला बिल्कुल सही है अरे घर से अरे कमरे से बाहर फ्रिज छोड़े कमरे से बाहर निकले लाइट क्यों खुली हुई है बिजली का बिल कौन भरेगा एसी को आपने 18 से 16 पे बोला था मैंने आजाब मच जाएगा करोड़पति हो गए आप ले लो यार तुम खेले रहते हो नहीं कोई पॉइंट नहीं मिला क्यों अगला क्यों क्या पंखे से बिजली का क्या ताल्लुक इस्त्री फ्रिज माइक्रोवेव किससे चलता है हाथ से क्या है ना नहीं मैं बता रही हूं सही जगह पे दिस वाज माय प्लेस अच्छा चल ओका ओ ओ ये पूछिए वो क्या रहा है ओका चले ओके आप कुछ कह नहीं बीवी को प्यार से पुकारने के 3 नाम मैंने बोला आई स्वेयर मैंने बोला बेबो बेगम देरू की अब मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ 5 सेकंड में बताओ जल्दी से मेरी जान बेबी गर्लफ्रेंड नहीं है बीवी है गर्लफ्रेंड नहीं है बीवी है इसको मैं ऐसे ही बुलाऊंगा आपको क्या मसला है भाई निकल आया सही बोल रहा है मेरा बच्चा डानियल के पास 2 पॉइंट्स ओके सही है ओके ओके लड़कों मिया को पुकारने के 3 नाम मैंने बोला मैंने ये आवाज दबाई है इसने यू कंटिन्यू सर बोलो जान सुने और उसके अब्बू उसके अब्बू किसके अब्बू देखा आप बताइए सही है आप बताइए सही है और सिर्फ तीसरे जवाब पे जो तुमने मुन्ने के अब्बा मुन्ने के अब्बू सुनिए ओके नेक्स्ट पैसे उड़ाने के कोई 3 तरीके मैंने बोला है बोलो जूते मोबाइल फोन्स और कपड़े ओके ये क्या है तो शॉपिंग और खाना एट द लिस्ट गोस ऑन एंड ऑन एंड ऑन 10 मांगे मैं कपड़ा और मकान इन्वेस्टमेंट ये सुनिए मेरे पास संजय सिंह आ गया मैं पैसे उड़ा रहा हूं उड़ाने के लिए रोटी कपड़ा और मकान हां रोटी कपड़ा तो मैम आपने उड़ाने के लिए बोला है ना ओके दे दिया पॉइंट दे दिया कितने पॉइंट दे दिया हां दो ओके दो इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बढ़ाने के 3 तरीके बोलिए मैंने बोला है उसने बजाया अरे उसने तो बजाया ही नहीं आपने बजाया मैंने बजाया नहीं मैंने नहीं बजाया हां इससे बजा दो मैंने उसको नहीं बोलो आप अच्छा मैं बता देता हूं मैं बता देता हूं हैशटैग्स होते हैं इंस्टाग्राम पे आप फॉलो इंस्टाग्राम मार्केटिंग जो होती है 5 सेकंड है 5 मिनट हां हैशटैग पीआर जो करते हैं और जो मैनेजर क्या नाम है पेजेस पे जो लगती है खरीद ओके सही है ओके क्या उसाम भाई तुम अपनी बैग क्यों दिखा रहे हो कैमरे अच्छी खासी हैशटैग हैशटैग पीआर जो पेजेस पे लगती है और जो क्या नाम है मैनेजर बहुत अच्छा चल रहा है मेरा वो मेरी बच्चे पे मेरे को 2 पॉइंट मिले बच्चे 2 पॉइंट मिले
पसंद की शादी करने के तीन नुकसान बहाने करती है, बातें सुना सकती है और आपकी इज्जत करेगी माँ बाप की। ये कोई भी कर सकती है, ये मैं आप तो ये मेरी टीम को समझ नहीं आया, इसने कहा कि मेरी इज्जत करेगी माँ बाप की नहीं करेगी, यानी नुकसान है। नहीं करेगी सही कह रहा है। अरे मैरिज और लव मैरिज में कोई फर्क तो होगा ना। अरे मैं जो लव मैरिज में पॉइंट गया दे दिया, मैं होस्ट हूं, मैंने तीन और मैम इसको भी बता, उसाम है पता है इसको यूं घर की बेल ना बजाया करो, घर की बेल बजा के भूल ही गई, बिल्कुल हाथ रख देता है पता है आपको, यूं दबा रहा होता है ऐसे भी करो। चलो ओके अगला सवाल है, स्क्रीन पे आने के तीन फायदे। ये फिर इसने हरकत की, मतलब मैं सच में दबा देता हूँ। अच्छा बताओ, स्क्रीन पे आने के तीन फायदे, फेम, पॉपुलैरिटी और पैसे। एक ही बात, पांच सेकंड पूरे हो गए। फेम, फैंस और पैसे, अच्छे पैसे और वो भी स्क्रीन पे। मैं बता दूं फेम डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिलते हैं, अच्छे पैसे। गुड, इसने वही बात की है, इसने सिर्फ डिस्काउंट बोल के डिस्काउंट और फ्री चीजें मिल जाती है यार। मैम मैं नहीं लेता डिस्काउंट, इसने पॉपुलर फेम नहीं, पॉपुलैरिटी और फेम एक ही चीज है। नहीं, फेम और फैंस दो अलग चीज है। फेम है लोग आपको जानते हैं, फैंस है लोग आपको पसंद। जरा वोट दो एक दूसरे। नहीं मेरा भाई, कह रहे हैं एक और गेम खेलते हैं, इसके बाद आप लोग एक और गेम खेलेंगे, अपना गला एक दूसरे का। 4-3 एक और न्यू गेम खेलते हैं। 4-3 ना यार, पहले बेल भी मैंने भी दी अभी 3-3। अच्छा तुम भी यूं कर देना, 4-3 हो गए। अब दानी हाथ भी हटाना। अगला सवाल यार, दानियल गुदगुदी अगला सवाल लाऊंगी अभी से बना दूंगा। अपना अपने मोबाइल का पासवर्ड अपनी बीवी से छुपाने के तीन तरीके बोलो। तरीके बोला, मैंने नहीं बोला, ये आप ही जवाब दे, मैं दूंगा ये। बताओ जल्दी, पांच सेकंड मैंने तो दबाया ही नहीं। मोबाइल को के पासवर्ड को अपनी बीवी से छुपाने के तीन तरीके। क्यों छुपाना है सवाल ये। क्या नाम है पहले ये कि अच्छा सॉरी पहला ये कि मेरा पासवर्ड नहीं लगता, मेरे थंब इंप्रेशन है। दूसरा ये कि मुझे भूल गया, सुबह मैंने चेंज किया था। तीसरा ये कि यार वो इतने ज्यादा उसको करो ना, उसका टच खराब हो गया। ओके जी, 4-4 ड्रॉ। चलो लड़कियों तुम आ जाओ, तुम लोग इधर आ जाओ, करोना की वजह से मैंने तुम लोग दूसरी टेबल। जीता कौन? 4-4 ड्रॉ। 4-4 अब मेरे ख्याल है मैं शैजल भी और तुम ज़ैनब उसको आ जाओ, तो हम जिसके पॉइंट चलते हैं। चलो चलो दबाने में पता है ना, इसलिए बिल्कुल ना। कहीं से मुफ्त खाना खाने के तीन तरीके। ये सुन तो लो। अच्छा ओके, किसने बजाया? मैंने नहीं, किसने बजाया? ज़ैनब ने बजाया। अच्छा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दो, ठीक है, मैं जो है वो फूड ब्लॉगर हूँ और मैं सेलिब्रिटी। ये तीसरा सेलिब्रिटी को फ्री में खाना मिलता है, मिलता है। मैं आपको बता दूं, शो के बाद बताऊंगा। बहुत तरीके, पता नहीं कैसे क्यों होता है, लेकिन ऐसे होता है। लेकिन नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा ठीक है, ओके, वन पॉइंट। ओके नेक्स्ट, हां मियां की मुट्ठी में रखने के तीन तरीके। बस ना, क्या हो गया यार, मुट्ठी में रखने के तीन तरीके। पहला तरीका ये कि बस उससे सिर्फ अपनी बातें मनवाओ। हाँ, कैसे मनवाओ, क्या मतलब? मुट्ठी में रखने के तरीके, I don't know, मुझे नहीं पता, खूबसूरती से, I don't know, खूबसूरती से, बताओ। इसको मुट्ठी में भी रहना है, पासवर्ड भी। अच्छा, इसको नहीं आ रहा, तुम बता सकती हो तीन तरीके? अच्छा, हमेशा तैयार होकर रहो, उसकी बात मानो और खाना अच्छा बनाओ। और उसको हमेशा बताओ कि मैं बहुत अमीर हूँ। बीवी को फजूल खर्ची से रोकने के तीन तरीके। इनको पता ही नहीं, बेलिंग कार्ड दें आप लोग, तो बजाओ। तुम्हारे पास जो ड्रेसेस हैं तुम उसमें अच्छी लगती हो, और घर में जो भी है उसका ही कुछ बना दो, कोई अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है। तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और आप इतनी खूबसूरत, आप हर चीज अच्छी लगती है। ये नहीं सकती,
आप इतनी अच्छी हो उस पर आप पे हर चीज अच्छी लगती है, तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे पास इतने कपड़े तो हैं, तुम्हारे पास इतने कपड़े तो हैं, जो भी पहनो अच्छी लगती है। एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रही हो, बस कपड़े और क्या होगा, बीवी को फजूल खर्ची से रोकने के पैसे नहीं है मेरे पास, तुम इतनी खूबसूरत हो, कल तो कपड़े लेके दिए थे मैंने तुम्हें। मैं लास्ट वाला कंप्लीट करूं अपना? नहीं, गुस्सा हो गया यार, ये तो क्यों अभी दो पॉइंट गुस्सा हो गया उस पे, मेरे पैसे की, ये तो गुस्सा हो गया ना, मेरे पैसे की तुम बता रहे हो, हालात बता रहे हैं अपना, गुस्सा हो गया। मैं बोल औरतों का, औरतों से पूछ रहे हैं कि आप खुद फजूल खर्ची कैसे रोकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इनको खुद नहीं पता, बोले फजूल खर्ची कहाँ करते हैं हम, पहला सवाल तो होना चाहिए हम फजूल खर्ची हम कैसे। अच्छा ओके नेक्स्ट 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 सवाल। हाँ, किसी को नहीं मिला पॉइंट क्योंकि इनहल। अच्छा, अपनी खूबसूरती को इनहांस करने के तीन तरीके बोलो। अच्छा खाना खाओ, जिम जाओ, किसने बजाया पहले, अच्छी अच्छी अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करो। ओके ओके, सोने का कुछ तुम भी तो बजाओ। तीन पॉइंट, शाबाश, ओके 3-0। लेट शादी करने के तीन फायदे बोलो। बस यही है, पहली ये कि मैं स्मार्ट इनफ नहीं हूँ, चीजें हैंडल नहीं कर सकती। okay. दूसरी बात ये, अभी मैं नहीं, लेट शादी करने के तीन फायदे। आई थिंक आपके पास जब आप लेट शादी करते हो, आप उस वक्त आपका टीनेजर गुजर चुका होता है और आप थोड़े सेंसिबल हो जाते हो, स्मार्ट हो जाते हो, फायदा सेंसिबल हो जाते हो, एक फायदा, ठीक है। और उसके बाद एक और फायदा, 5 सेकंड है, 5 मिनट नहीं, वो बता रहे हैं यार, दैट्स चीटिंग। नहीं, आई थिंक लेट शादी करने के यही फायदा होता है, आप खुद सेंसिबल हो जाते हो, तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हो, खुद स्टेबल हो जाते हो। 0-10 सेकंड हो गए। मैम इनको बताएं, बताइए आप, तीन चीजें पूछी है तुमने, ऐसे आप मैच्योर हो जाते हो, ठीक है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हो और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का एक मतलब मैच्योर गाली मार देते हैं, तो मैच्योर तो यही हुआ ना, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। अलग चीज है यार मैच्योर होना, ऐसे हमें बताया पॉइंट्स बताने थे, माइक लाओ, छोड़ दो, ड्रॉप कर, चलो 4 हो गए देन आपके पॉइंट्स, 4-0 हो गए। अपनी उम्र से कम उम्र दिखने के तीन तरीके, वो ही मुझे नहीं पता, जिम करो, ड्रेसिंग सेंस अपनी सही रखो, कलर्स अच्छे पहनो और अच्छे छोटे लोगों से दोस्ती रखो, ताकि बिल्कुल सच है, ये अच्छी बात, अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ घूमोगे ना तो उनको भी एक होता है, आप हमेशा मतलब अगर आप 30 के और आपके 19-18 साल की दोस्त है तो आप इट्स ओके, बहुत खतरनाक। शोबिज में शादी करने के तीन नुकसान ये होता है कि अगर आप बोलो कि कहीं और जाना है, और अगर आप ये बोलो कि अगर घर घर में अगर आप मेरी छूट नहीं है तो वो मान जाएगा छूट नहीं है, शोबिस से जो होगा वो पता लगवा सकता है कि छूट है या नहीं है। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये कि हर लड़की के साथ अगर लड़का काम कर रहा है तो यू गेट जेलस समटाइम्स, ये वाली चीज हो सकती है, हाँ ये हो सकती है पजेसिवनेस। और तीसरी चीज ये कि लड़का जो है वो बहुत बिजी रहता है या लेट घर आता है, कि शोबिज के लोग ज्यादा जॉब वाले के घर नहीं है, मतलब सवाल आप रिपीट करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, शोबिज में शादी करने के तीन नुकसान आपको, आप जिस बंदे के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको उसके साथ कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप उसको अपने पार्टनर को रोक सकते हैं कि ना करो उसके साथ, दूसरा ये कि जब आप उसके साथ, यार मुझे बोल रहे हैं, दूसरा ये कि जब वो क्या नाम है, वो ज्यादा काम कर रहा हो आपसे, दोनों स्क्रीन पे हो तो लोग कंपेयर करने लग जाते हैं, वो तो इतना काम कर रहा है, तो शादी से पहले तो तेरा तो नुकसान हो गया, उसको फायदा हो गया, तो ये वाली चीज हो जाती है। तीसरा ये कि जब आप इंडस्ट्री में कर लेते हैं तो बहुत से लोग आपके बहुत से बैकग्राउंड जानते हैं, जो कि फिर आपके मुंह पे रख के मार रहे होते हैं कि देखो ये उसके साथ ऐसे, बहुत बड़ा नुकसान है कि अगर आपके झगड़ा होता है तो लोगों को पता चल जाता है, आपने अगर इंस्टाग्राम पे अनफॉलो भी कर दिया, सबसे बुरी बात है, इंस्टाग्राम
अनफॉलो भी कर दिया ना, तो एग्जैक्टली कि हां कि अनफॉलो कर दिया, पेजेस ने लगाना शुरू कर दिया, उन्होंने इनको अनफॉलो कर दिया है, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, सो आई थिंक दिस चीज उस तरह की तो चीज वैसे हर कपल में होती है, लेकिन कभी-कभार ऐसे होता है कि कोई एक्टर मेरे जो इशारा क्यों कर रहा है भाई कोई, क्योंकि कोई है वो ये कोई एक्टर, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, रिसेंटली देख रहा था किसी ने एक एक्ट्रेस के बारे में कोई इंटरव्यू दिया और उसने अखबार ने कोई ऐसी खबर लिख दी कि मैं तो ये कर लूंगी, तो फिर मैं वो मैंने सही है, कर लो कर लो पॉइंट, फिर वो घर में झगड़े, घर में झगड़े होते हैं नॉर्मली, आप कवर कर लेते हो, लेकिन वैसे आपके तो या तो उस इंटरव्यू में बोलने की जरूरत थी, मैं भी जानता हूँ उनको, ऐसे भी कवर कर सकते हो, तुमने कैसे नहीं कर लिया, तो वो वाली बात है। ओके, देखिए भाई जवाब सवाल जो भी हो, लेकिन जैनब जीत गई यहाँ पे, एक हमारे पूरे शो में एक गेम जो है वो उसामा जीते जी, एक्चुअली मैं गेम जीत चुकी हूँ, सो अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो हम जीते उस पे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला, हाँ देखा हम इतनी मेहनत सबसे, और मैं आपको बताऊं सारे एक घंटा हम खड़े रहे, कौन जीता है तुम तो, अबे ये तो ड्रॉ हो गया, तुम तो ये तो क्या क्यों एग्जैक्टली, मैं इसलिए नहीं जीती हूं क्योंकि ये जीत चुका था हमारी टीम से, यही वजह थी, आई वाज इनका टाइप ब्रेकर क्वेश्चन होना चाहिए, मैम एक टाइप ब्रेकर क्वेश्चन होना चाहिए, एक टाइप ब्रेकर ब्रेक में सोचती हूँ, पर मैं अगले ब्रेक में करूंगी, तो जी आपको ये बताना चाह रहे हैं हम आज ये इतना इतनी मेहनत जो तुम लोग कर रहे हो यहाँ पे ढाई घंटे आके, इसलिए कि वो जो मेहनत तुम लोगों ने की है इस एपिसोड्स के अंदर जी लोग देखे, एग्जैक्टली बिल्कुल, थर्ड जनवरी से आप देख रहे हैं तेरी राह में, देखते रहिए रोजाना गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। मुझे ईमान बहुत अच्छी लगने लगी, दिल में उतर गई मेरे, तो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेटस वो सब मेरे पास है, ट्रस्ट मी आ गया सनी, आई प्रॉमिस, इतनी अच्छी है, पूरी यूनिवर्सिटी को पता चलना चाहिए कि अहमद को कोई लड़की पसंद है, खुश मिला कर ईमान से सिर्फ दोस्ती करना चाहता, लेकिन उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारकर जलील किया, और अब मैं भी उसके साथ कुछ ऐसा ही करूंगा, वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज आपकी मुलाकात हो रही है तेरी राह में काम करने वाले जो मेन लीड एक्टर्स हैं उनसे, और यहाँ हमने आपको ये बताया कि 3 जनवरी से आप ये ड्रामा देख रहे हैं ARY डिजिटल पे रोज आना 7 बजे, और ये ड्रामा भी चल रहा है, 3 जनवरी से शुरू हुआ है, इसके बारे में हमने काफ़ी बात की और हम ज़्यादा कहानी तो रिवील नहीं कर सकते, एग्जैक्टली सो अब जो है तुम लोगों की टीम्स बना दी गई हैं दोनों दोनों बहन भाई एक तरफ होगा ये कि हम जैसे कि यहाँ से पर्दा उठाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये लोग तो देख सकते हैं, ऑडियंस भी देख सकते हैं कि इस डब्बे में क्या है, तुम लोगों ने फील करके ओके सही है, और फिर ये जानना है, तुमने बताना है गैस करके ये क्या है, तो मैं पहला डब्बा शुरू करती हूँ, ओह गॉड आ जाओ चलो, तो देखे बगैर तुम यहाँ हाथ डाल सकती हो एंड उस वो भी जो भी चीज अंदर रखी है उसको फील करके बताओ, इंजेक्शन टाइप का कुछ लग रहा है, इंजेक्शन आई थिंक, कैन आई उतार निकालो भाई हाथ, हाँ निकालो, टाडा सिरिंज, ओके गुड गुड गुड, हाँ जी ये शुक्र है पॉइंट मेरी बारी, चल जी आपकी बारी, वहां से नहीं होगी, नहीं नहीं पहले ये पूरा खत्म करिए फिर उधर जाओ, ओके okay. बीमारी तो नहीं करना, देखना ये तो देख के भी नहीं पता लग रहा मैम, देखा ना क्या आगे हूं इसकी, पर्दा उठेगा ना, पर्दा हटाओ, ओके हां देखा वही है, ये तो मान ही नहीं सकता, चलो जी सामा, ये तो मान जाओ, यू कैन डू इट, बता दो मान ही नहीं सकता मैं, तुम बता दो ये, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, मैं मान ही नहीं सकता, एग्जैक्टली कर सकते हो, व्हाट इज इट, ये जो गाड़ी साफ करने के लिए वाइपर होता है, वाइपर टाइप की चीज है, वेरी नाइस, सही जवाब, देखो सही जवाब, देखा भाई गाड़ी साफ होने लगा कहां से, चलो भाई तीसरा, अब तुम आओ सेज, ओके रेडी गेट सेट गो, अच्छा आई इज का गो आई, ओए व्हाट इज दैट, पीसी ओए
मैं आपको बताता हूँ क्या यू चीज गम्स क्या गम उर्दू में बताओ दांत के ऊपर ये जो स्पेस है मस्किन मसूर है मसूर आपके मसूर नहीं 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 मसूर है अलग से कहाँ मिलते हैं दांत है ये दांत है दांत है नहीं समा हाँ हाँ नहीं नाम होते हैं टाइम बतीसी इसको बतीसी कहते हैं लेकिन मैंने दांत भी बोल दिया ये भी बोल दिया तो मुझे इसका वर्ड नहीं आया मैंने ज़ेनब को बोला ये पर्दा डला है मुझे ये क्या है मैंने बोला पेटीस लगे कसम खुदा मैंने बोला ये तो दुनिया को तो दिखाऊं हाँ चलो आप तुम फील करके बताओ ये कौन सा है ये कौन सा क्या है ये इसको तो अल्फाज इसको कहते क्या है सवाल ये सवाल ये इसको कहते क्या है इसको पता है उसामा को पता चल जाएगा यार वो जो लोहे का पानदान सा होता है लोहे का पानदान ये सॉरी ये जिसको जिसमें पान थूकते हैं या पानी पीते हैं इसमें पान थूकने वाले जो भी करें हम बाहर निकाल दे ना उसको बाहर निकाल दे नहीं लेकिन मुझे मैं पहले गेस सही किया हां सही किया बताओ उसका नाम क्या है मुझे ऑनेस्टली नहीं पता क्या कहते हैं पान वो जो फेंकते हैं जिसको पानदान ही कहते हैं मैंने पानदान बोला था मैं फोन करता हूं दादी को उगालदान सही जवाब है क्या है मैम इसमें से निकाल उगलते गंदे ओके सचिन रेडी हो ओके देख लो ना यार नहीं नहीं मैं देख क्या लग रहा है मुझे चलो ये भी नहीं पहचाने मान जा अगर तुम ये मान ये नहीं बता सकती ये नहीं बता सकती इसको तो अंदर रख दो इतना डिस्गस्टिंग लग रहा है और ये टर्म्स को नहीं पता तुम नहीं बता सकते ये बोले ही कैसे हां ये कैसे बोले ही क्या आई नो मैं पठान हूं आई नो व्हाट इज दिस ये वो चीज है जिससे आप अपना जार्बन डालते हैं लेकिन इस चीज का नाम कुछ है जार्बन डालने वाला होता है बस नाड़ा डालने वाली चीज वही है तुम्हें ये पता है कि नाड़ी को अजारबन कहते हैं सो उसको अजारबन दानी अजारबन दानी अजारबन दानी अजारबन दानी ओके सही जवाब गुड आइए जी साहब वाह वाह क्रिएटिव पठानों में पठानों में ये कुछ सिमिलर चीज लग रही है ओके चलो भाई क्या थोड़ा सा दो तो सही बॉडी नहीं 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 हमें तो पता चले जो हम रख सकते हैं वही सही जवाब ये किसी बच्ची वैसे आप बहुत अब इन लोगों की बारी चलो दानिया रेडी जानदार चीज तो नहीं डाली मैं आपने हो भी सकता है हो भी सकता है क्या है ओके 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 क्या ओके 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 नहीं नहीं ये क्या चीटिंग है भाई मानी नहीं ओके सॉरी इसका नाम लेना ये पता तो चले है क्या इतना मुश्किल तो वहाँ कुछ भी नहीं है मैं बहुत आसान है हाँ ये कहीं इजी था ये खत्म क्यों नहीं हो रहा वही तो कह रही कीप्स गोइंग चलो ना गेस तो करो यार मैं कसम से नहीं मैं 5 ये मैम ये क्यों 3 2 1 2 1 कोई नाम तो है भाई कुछ नहीं मैम बिल्कुल यकीन कर मैं निकाल दी गाल ही कह दो कुछ कह दो निकालो निकालो तुम्हें नहीं पता परांदा कहते हैं चुटला परांदा मुझे नहीं पता आपने ऐसे क्यों बोला मैं क्या मारी अम्मी नहीं लगाती होंगी कभी किसी अपनी गर्लफ्रेंड याद आ रही अपनी बीवी अब नहीं याद आ रही मेरा बच्चा नहीं नहीं मेरा बच्चा क्या मेरा बच्चा परांदा और क्या मेरा बच्चा नहीं पहनेगा परांदा ओके इधर आओ ज़ैनब इधर आओ आप हार चुके हैं अभी से रेडी गेट सेट गो गो वाओ वाओ इजी है सुपर इजी आई थिंक यू गेस झाड़ू ओके झाड़ू झाड़ू ये है कितनी क्यूट मिनी मिनी झाड़ू मिनी क्यूट है
लेकिन ये लगाएंगे इनको देते हैं डस्ट एलर्जी है आप आइए जैसी पास है इधर आओ जी ओके रेडी गेट सेट गो ये तो आप पहचान लेंगे ये तो आपके सिफ्ट में आता है बिल्कुल मेरी सिफ्ट नो वे ये तो नो वे बहुत काम है ये तो लोटा ही तो बाहर भी नहीं आएगा लोटा ही ये लोटा ही है ना ठीक है बाकी बाहर नहीं आ रहा क्या बाकी नया है इसलिए मैंने उठा लिया नया वही देख रहा हूं ये आप नहीं जा सकते ओके ज़ैनब रेडी है आप दो गेस्ट किए ना एक रेडी पहला ओके ये क्या है पहले लोगों को तो देखने दो फिर हां मुझे भी आप रेडी दानियाल ये तो पहचान ये तो ऑफ कोर्स पहचान जाओगे ये तो तुम्हारे आने वाले वक्त पे काम आएगा अभी तो वो है क्या फीडर की जगह जो ये होता है क्या है ये मैं नाम होता है क्या मैं थोड़ी यूज करता हूँ मतलब मैम ये वही है ना वही बताओ उर्दू में जो कह देना उन्हें बोलना इंग्लिश में बता दो बता दो ना भाई मैं नहीं बोलूंगा उर्दू में नहीं मुझे काम नहीं देंगे यार सही बोला ना मैम इसको जो उर्दू में बोलूंगा मैं बोल नहीं सकता आप लोग मुझे काम नहीं देंगे तुम लोग डब्बों के आगे आ जाओ साफ कर और मुझे ये बताओ परांदे से तो आना चाहिए अच्छा अब मुझे बताओ तुम लोग क्या कहना चाहते हो ऑडियंस को कि तेरी राह में क्यों देखें ऑडियंस अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करे क्या उनको फायदा होगा क्योंकि उसमें हम लोग हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये वही 7 PM स्लॉट पे आ रहा है क्योंकि सब ने दूसरे ड्रामे को इतना प्यार दिया सेम टाइमिंग है विश अस लक पहली बात ये दूसरी बात ये सारे यंगस्टर्स हैं तो सारे लोग रिलेट करेंगे बड़े तो करे ही करेंगे बच्चे बहुत ज्यादा करेंगे हम जैसे नौजवान खूबसूरत मैंने इनिशियली जब मैंने साइन किया था प्रोजेक्ट में कर रहा था तब मुझे लग रहा था कि स्टोरी थोड़ी सी ऑफ है लेकिन जब मैंने किया तो जब मैंने बाकी सारे ट्रैक्स भी देखे और अपने ट्रैक भी देखे तो मुझे लगा काफी रिलेटेबल है इसमें नादिया ने की अच्छी बात की थी उसने लिखा बहुत अच्छा कि हमें वो सारी चीजें जो है ना इवेंट्स जो है वो ऐसे नहीं लग रहे कि आउट ऑफ नोवेयर आ गए कैमरे के पीछे सारी टीम बहुत अच्छी थी जबरदस्त हमारी प्रोडक्शन हमारे एडीज हमारे मेकअप आर्टिस्ट राजू भाई एवरीवन सब बहुत अच्छे हैं और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये कि वक्त के साथ साथ ये जो सोप है ये ड्राई नहीं होगा आपको हर वक्त इवेंट कोई ना कोई मिलते रहेंगे मतलब आप बोर नहीं होंगे और दूसरा लास्ट पर जो टीम जितनी भी है ना आपको बॉन्डिंग नजर आएगी क्योंकि जो है किसी में भी हमारे इतने 6 महीने से काम करें किसी की आज तक लड़ाई नहीं होगी सब कुछ एक दूसरे को साथ साथ लेके चलेंगे बहुत अच्छी बात जी आपको बस याद दहाने के लिए अपने आज सुबह ये महफिल सजाई थी आप देखेंगे ARY डिजिटल पर 7 बजे तेरी राह में रोजाना और इंजॉय करेंगे अपने 7 बजे के स्लॉट को फ्री रखें और इन्वेस्ट करें अपना टाइम तेरी राह में गुड मॉर्निंग पाकिस्तान थैंक यू सो मच आप लोगों का बेस्ट ऑफ लक आपके ड्रामे के लिए सो इंशाल्लाह मैं भी देखने वाली हूँ मेरे भाई की शादी लास्ट में वैसे ही बोलते हैं आप तेरी राह में हम सब बोलते हैं तेरी राह में